यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मेधा देवी जुषमाणा नागात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्ट ऋषिर्भवती देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा दत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मना देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधा सुरभिर्जुषता गुस्वाहा आमां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधा सुप्रतीका जुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भाजो दधातु ॐ महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय माँ सरस्वती। इंदिरा जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। बीजेपी बीजेपी कह रही हूँ बीजे जी आपको जय श्री राम नमस्ते। इंदिरा जी प्रीत जोशी जी जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व आपको। कविता जी आपको जय श्री श्याम। अनिल गुलानी जी प्रीति जी आपको बीके वालों से डर नहीं लगता ये इतनी पावरफुल संस्था है जी। मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया परसों और मैंने अपील करी थी कल वीडियो बनाकर, उन्होंने कहा है कि अपील अपनी वीडियो बना के करे, तो कल सुबह मैं सारा देर यही कार्य कर रही थी। और डीमोनेटाइजेशन का वजह भी नहीं बताया, ये बताया है मैंने दूसरों का कंटेंट यूज़ करा है। और मुझे चार पांच बार कोई बंदे जो हैं विजय नाम का कोई विजय ऑडियो से भेज चुके हैं कॉपीराइट की नमस्ते वर्ड जो है मैंने उनसे कॉपी किया है। अभी जो मैं वैदिक चांट करती हूँ उसमें नमस्ते लक्ष्मी जी की स्तुति में आता है, तो नमस्ते वर्ड वो तो मेरी अपनी वॉइस में चांटिंग है, नमस्ते वर्ड पर किसी का कॉपीराइट कैसे हो सकता है। जबरदस्ती में मेरे को ये कई बार ऐसा कर चुके हूँ, मैं फिर डिस्प्यूट सबमिट करती हूँ तो मैं जीत जाती हूँ, लेकिन बार बार ये सेम चीज़ अपना पुराना लॉग भी नहीं देखते और बार बार मेरे को भेजते हैं। तो चैनल डीमोनेटाइज हो गया। अब मैं वैसे भी चैनल से कुछ कमा नहीं रही थी, ना मैंने अपना कोई फाइनेंशियल डाटा दिया था। हाँ यूट्यूब के एड्स आते थे तो उससे तो $10-15 जो भी हो जाते थे, तो वो नहीं होंगे, बस ये है।
मुझे मालूम है कि इनकी पावरफुल संस्था है, इसीलिए मेरे जैसे पावरफुल व्यक्ति को ही स्टैंड करना चाहिए इनके अगेंस्ट, क्योंकि मेरे से ज़्यादा पावरफुल और कोई है नहीं। तो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए अगर मैं इनके जो गलत चीज़ है उसको गलत कहना सही बात है। कल एक बी के मीना जी आई थी, वो कह रही थी कि हम नेगेटिविटी क्यों फैलाएं, किसी के लिए गलत क्यों बोलें। ये बात सच है, मेरे पिताजी भी मेरे को बचपन में बोलते थे कि हम जिसका बारे में बुरा बोलते हैं धीरे धीरे हम भी वही कार्य करने लग जाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गलत को गलत कहना धर्म है। अगर आप गलत को गलत नहीं कहेंगे तो जो अच्छे लोग उनके वजह से विक्टिम्स बन रहे हैं उनकी तरफ अपराध हो जाएगा। इसलिए जो भी आपको ये बात बोलता है कि आप गलत को, हम क्यों इस चक्कर में पड़े, नेगेटिविटी हम क्यों फैलाएं, तो नेगेटिविटी इसको नहीं कहते। किसी अच्छे को बुरा कहना नेगेटिविटी है, वो एक क्राइम है, पर किसी बुरे को बुरा कहना ये धर्म है, ये हमारा धर्म है। अगर हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा नहीं कहेंगे तो जो अच्छा है उसके प्रति अन्याय हो जाएगा। मैम जो भी इनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं उनका चैनल बंद करा के ये वीडियो डिलीट करा देते हैं, इनसे आप सावधान रहें। जी मेरा वीडियो ऑलरेडी, मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया क्योंकि ये उस पर बैठे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, देखिए वेदों में लिखा है कि जब आप वेद पढ़ते जाएंगे और जितना आप शुद्ध हैं और ऊपर से प्रभु की स्तुति करते जाएंगे और प्रभु आपको सहस देंगे, सहस बल, जो आपके शरीर का सहस बल है, और वो वही आपको शक्ति देंगे ऐसे नर पिशाचों से लड़ने के लिए। तो मैं इनके लिए उत्तम हूँ लड़ने के लिए। और ये जो मोटिवेशनल बातें कहते हैं वो, तो ये लोग बुरे नहीं हैं, बस ये भटके हुए हैं, इनको सही राह पर लाना है। ये लोग पक्के चोर हैं। जी इंदिरा जी, चोर तो चुपचाप जब कोई सो जाता है तब चोरी करता है, ये तो खुलेआम वशीकरण करते हैं। मनजीत सिंह दवे बोल रहे हैं मैम मुझे भी ज्वाइन करो। तो मनजीत सिंह जी आप क्या बीके के चंगुल में हैं या आपका कोई, तो आप मेरे को ईमेल भेज सकते हैं। मैंने ओंकार जी को ईमेल भेज दिया है, उन्होंने मेरे को बोला भी है कि वो टाइम पे ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ज्वाइन करा नहीं है, पता नहीं क्यों। मैंने उनको अभी अभी भेजा कि आप टाइम पर आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन टाइम तो हो गया लेकिन वो तो आई नहीं। तो मुझे लगता है शायद वो टेक्निकली इतने वो नहीं है, और ये इनको वो अरुण जी नहीं जानते हैं तो वो इनको बता नहीं सकते हैं। यस प्रीति, यू आर पावरफुल बाय स्ट्रेंथ ऑफ सोल, वी आर ऑल्सो ऑल्सो। यस, वो जैसे बोलते हैं ना कि सब एक तरह के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो जो मेरी टीम है वो मेरे जितनी पावरफुल है। सही कहा जी। सुनील जी आपको भी जय श्री राम, जय श्री राम सत्य सनातन वैदिक धर्म। जी तो बात यह कि बहुत सारे जो ये हैं बीके वाले, इन्होंने मुझे इतने मेल्स डाले हैं और इतने कमेंट्स करे हैं, कई तो मेरे पर पर्सनल अटैक करते हैं। जो थोड़ी मैच्योर विमेन हैं वो मुझे लिख लिख के वीडियोस भेज रही हैं बीके के। आज सुबह सुबह मेरे को दो वीडियो और प्राप्त हुए बीके के, कुछ मेरे सेलफोन पर, मेरे मैसेंजर्स पर जो है फेसबुक के वीडियो आए हैं तीन चार, दो मेरे अभी अभी ईमेल पे आए हैं, कल दो आए थे। तो इस तरह मेरे बहुत सारे आते जा रहे हैं। अच्छा ओंकार यादव जी, आप जहाँ भी सुन रहे हो प्लीज़, मैंने आपके ईमेल पर ज्वाइनिंग लिंक भेजा है। मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन करना नहीं आता है, पता नहीं। आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे को 8 मिनट पहले बोला था कि हाँ मैं टाइम पे ज्वाइन हो जाऊँगा, फिर अगर आप ये सुन रहे हैं स्ट्रीम तो प्लीज ईमेल में देखिए, मैंने आपको दोबारा से ज्वाइनिंग लिंक दिया है। इसको नमक हराम बोलते हैं, हमारे धर्म का होकर हमारे ही धर्म के लोगों को भ्रमित करके लुटाते हैं ये लोग। बिल्कुल, इन्होंने जगह जगह ट्रैप्स खोले हैं। अच्छा मैंने कल वो देखा, वो जो मीना जी आई थी और मोना जी आई थी, तो जो मीना जी हैं वो कह रही थी, इतना जल्दी जल्दी बोल रही थी, इतने समय से उन्होंने जो है इसका अध्ययन किया हुआ है। और मोना जी ने मेरे को एक रील भेजी है, लेकिन मैंने कहा मैं ये रील नहीं चला सकती हूँ जिसमें मीना जी जो हैं वो
बुराई कर रही हैं बीके की कि भाई अभी मोदी जी ने ये कहा है और फलाना जगह हो जाएगा तब तो खुलासा हो जाएगा। तो जो मैं एक्चुअली ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, कल वो बता रही थी कि एक दशरथ बापू हैं, तो आप इधर बीके से निकलकर दशरथ बापू को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने मल्टी यूनिवर्स में ट्रेवल करा हुआ है, मल्टीवर्स में। तो और वो जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। फिर मैंने बताया कि राधा स्वामी जो लोग हैं वो तो ये क्लेम करते हैं कि उनकी जो डेड बॉडी है वो भी 3 दिन बाद जो है उसमें जान आ गई, और उन्होंने भी वो ऊपर के सारे लोग ट्रैवल करे हैं, और ये चीज़ें उन्होंने एक अपनी किताब में लिखी हुई हैं। और इसके बाद जो राधा स्वामी वाले वो ये कहते हैं कि उनके जो राधा स्वामी जो ऊपर ओम के ऊपर भी एक ध्वनि हो रही है जिसका नाम रा धा स्वामी है। इसका मतलब राधा का स्वामी नहीं है बल्कि राधा जो है वो धारा का उल्टा है, तो इसलिए राधा। तो बहुत पहले जो है ये चीज़ एक मैंने जो राधा स्वामी भारत में है वो विदेश में स्वामी राधा है, तो जो यहाँ पर है उसका उलट के हो जाता है। तो खैर जो भी है, हाँ बिल्कुल ये बात दशरथ दशरथ पटेल बापू दशरथ दशरथ पटेल बाबू ऐसे करके है नाम उनका, दशरथ बापू पटेल। तो उनको मैंने जाकर देखा, इसके बाद मैंने उनसे कहा था हाँ ठीक है मैं देखूंगी, तो मैंने वहां जाके देखा। तो वो भी ये बेहद बेहद ये जो ब्रह्म कुमारी की सारी लैंग्वेज है, लगता है ब्रह्म कुमारी से निकले हुए सारे लोग या तो पीबीके में चले जाते हैं या परम शांति करके इन्होंने भी बिल्कुल उसी तरह का खोला हुआ है। तो पहली बात तो जो लोग इतने पहुंचे हुए हैं, अच्छा ये मैं बात ये बता रही थी कि ये बोल रही थी कल मीना जी कि वो तो जैसे सूर्य की किरणें हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करती हैं, गंदे मनुष्य पर भी आती हैं और अच्छे मनुष्य पर भी आती हैं। तो अगर लेखराज बुरा था तब भी उसमें प्रभु की धार तो आ सकती है। तो मैं उनसे जो है सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी मुक्त आत्माएं होती हैं और बहुत सारी योग भ्रष्ट लोग भी होते हैं जो पूरे में योग करते हैं, बहुत अच्छे योगी होते हैं, लेकिन कुछ समय पहले जब वो मरने वाले होते हैं तो उनका ध्यान भटक जाता है और वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रभु क्या करते हैं, जब वो मरते हैं तो वो स्वर्ग में जाके कुछ समय स्पेंड करके दोबारा से उनका जन्म अच्छे घरों में संपन्न परिवारों में हो जाता है। इसके विपरीत जो मुक्त आत्मा है, मुक्त आत्मा जो है वो एक्चुअली में वो मोक्ष एक तरह से उनको मिल गया है, वो मोक्ष की अधिकारी है, लेकिन उनकी इच्छा ये है कि वो दोबारा से लोक में आके लोगों का कल्याण करें, और उनका पर्पस केवल यही होता है कि वो लोक में दोबारा से आके लोगों का कल्याण करती हैं। तो उनका जन्म दोबारा से इस वजह से हो जाता है। तो लेकिन क्या है कि तो जो ये मुक्त आत्माएं हैं इन पर आना तो समझा जा सकता है कि प्रभु की धारा जो है इन पर आए, लेकिन ऐसे ही किसी लेखराज जैसे अय्याश आदमी, अच्छा एक जगह ये था कि लेखराज के पेट के ऊपर सारी ब्रह्म कुमारियां बैठ के ताश खेल रही थी, ये कौन सा योग है मुझे कोई बताओ जरा, ये कौन सा योग है? अच्छा एक ब्रह्म कुमारी कहती है कि मुझे कैसे पता कि लेखराज गोदी में बिठाकर किस करता था। तो ये बात तो वहां से आई हुई बहुत सारी ब्रह्म कुमारियों ने बताई है, और कई सारे अखबार में चित्र आए जब जिसमें कि लेखराज जो है बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियों के साथ है। तो ये चीजें रोहिणी में जो 7 या पता नहीं कितनी 14 या 7 लड़कियां पकड़ी गई थी, एक्चुअली मैं रोहिणी सेक्टर और लड़कियों का नंबर ये दोनों मेरे मिक्स हो जाते हैं, कई बार स्वाप हो जाते हैं। तो एटलीस्ट 7 लड़कियां तो पकड़ी गई थी जो पिंजड़ों में थी। तो इस तरह से ये लोग जो है वो बहुत डूबियस है, जो व्यक्ति इतने पहुंचे होते हैं। इंदिरा जी ने सही बोला, ठरक योग है ये। जी, बिल्कुल सही। तो मैं फिर लिंक दे देती हूँ इंदिरा जी, अगर आपको बातचीत करनी है तो आप तो वैसे ही ज्वाइन हो सकते हो, लिंक की आवश्यकता नहीं है आपको। कोई और भी मेरे से लिंक मांग रहे थे, मंजीत सिंह कौन थे, मंजीत सिंह देवे। तो आपको कुछ बात करनी है बीके के बारे में तो
अमित जी कह रहे हैं, इन लोगों पे सनातन को चोट पहुंचाने, शास्त्रों, देवी देवताओं का अपमान करने के लिए मुकदमा चलना चाहिए। विडंबना है कि हिंदू लोग ही इस संस्था का पोषण कर रहे हैं। जी तो एक मिनट रुकिए, मैं इनको ओंकार जी की मेल चेक करती हूँ कि क्या इन्होंने कुछ लिखा है। एक्चुअली जो है ना वो कोई मैं अगर एक नंबर शेयर करूं, इंदिरा जी क्या आप उनको कॉल करके किसी को कोई बता सकता है, उनको जो है बुला सकता है? उनका नंबर तो है मेरे पास। बीकेएस जी आप दिल्ली के आसपास रहते हैं राइट, और ये भी शायद वहीं पर हैं, मुझे मालूम नहीं है कहाँ पर है, तो मैं एक नंबर दूँ, अगर आप इस पर कॉल करके उनको बोल सकते हैं कि ये मुझे वो कर लें, अभी आ जाएं ज्वाइन कर लें, क्या आप इनको कॉल कर सकते हैं? क्योंकि चैट मैं अपने व्हाट्सएप से भेज नहीं सकती इनको, क्योंकि वो इनको एक्सेप्ट पहले करना पड़ेगा व्हाट्सएप इन्विटेशन, और उसमें वो लगेगा टाइम। तो बीकेएस जी आपसे मेरी विनती है कि एक जरा फोन कर दीजिए इनको। नमस्ते प्रीति जी। जी राम राम। राम राम, मेरी आवाज आ रहा है? आ रही है जी, अच्छी बात है। और जी बीकेएस जी आपको मैं फोन नंबर भेज रही हूँ, आप कर देंगे जरा उनको फोन? बीकेएस जी नीचे तो हैं, कोई इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप तो दूसरे सिटी में है ना इंदिरा जी। हाँ नहीं वो तो है। अगर आप भेज सकते हैं इंदिरा जी तो आप व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं इनको। नहीं वो मेरा नंबर, हाँ मेरा नंबर आउट हो जाएगा फिर। अच्छा मैं आउट नहीं करना, हाँ वो किसी को तो फोन, मैंने बीकेएस जी आपको एक नंबर भेजा है जी। धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद बीकेएस जी। शायद उनको वो ना टेक्नोलॉजी प्रिय वो नहीं है उनको आती, तो आपको एक नंबर मैंने भेजा है व्हाट्सएप करके, आप प्लीज़ उनको बोल दीजिए ज्वाइन करने के लिए। अभी लिंक उनके ईमेल पे है, अगर यहाँ ना ज्वाइन हो पाए इन लिंक से तो यहाँ आ जाएं, तो मैं यहाँ दे दूँगी। मैम लाख राज का बर्थ 1876 में हुआ था और डेथ 1967 में, अब इतना ओल्ड प्रूफ हो है जो आप बोल रही है? लेखराज, अच्छा लेखराज का बर्थ 1876 में हुआ और डेथ, तो लेखराज का जन्म जो है वो, उसके सब प्रूफ्स हैं हमारे पास, हमारे पास उसके सारे प्रूफ्स हैं, हम बहुत सारी स्ट्रीम्स कर चुके हैं उसके ऊपर, लेखराज के ऊपर। वो एक अयाश आदमी था, एक अब इंदिरा जी एक अयाश आदमी के ऊपर क्यों आएगी किसी प्रभु की आत्मा? कृपा कर एक 10 मिनट का वीडियो जिहादी कुकर्मी आफताब उर्फ लेखराज उर्फ दादाजी के जीवन और उसके कुकर्म, और ये तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है एडी जी, मैंने कई सारे बना लिए हैं अभी तक, और कल तो मैंने ब्रह्म कुमारी मत दर्पण भी पढ़ा था, मैंने बिल्कुल वीडियो बना रखा है उसका। और देखिए आफताब वाली बात मैं नहीं कह सकती क्योंकि उसका प्रूफ मैं दिखा नहीं सकती हूँ,
क्योंकि इन्होंने वो वहां से गायब कर दिया है। नहीं, जो पुराने में आपने दिए थे उसमें नहीं है क्या? जो पुराना स्ट्रीम में नहीं, दिए मैंने थे उसमें बुकमा तो, उसमें मैंने मेंशन किया था, पर प्रूफ ये आफ्ताब अच्छा वाला नहीं वो दिया था। नहीं आप मतलब वो स्क्रीन पे नहीं था, स्क्रीन पे होता तो वो मिल जाता। आ ये सब छुपा रहे हैं ना आजकल, आजकल सारा चीज छुपा रहे हाँ हैं। जी, मेरा चैनल तो भी तो डीमोनेटाइज कर दिया है इन्होंने पूरा। ना कोई नहीं, वो ठीक हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं, वो थोड़ा टाइम लगता है उसमें, और ऐसी कोई मैंने बात अपील भी करा है तो वो नहीं। अपील हाँ भी हाँ इन्होंने नहीं मानी है। वो मान लेंगे कुछ दिन बाद मान लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। उनको वो ज्यादा लोग आते हैं ना, वो ज्यादा लोग अगर मास रिपोर्टिंग करते हैं तो उनका वो ऐसी तैसी हो जाता है। यूट्यूब का ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूट्यूब का ये। फिर भी यूट्यूब तो फेसबुक से बेटर है, फेसबुक में थोड़ा कंप्लेंट होता है तो वो आपको ब्लॉक ही कर देता है। मेरा तो कई बार ब्लॉक हो गया, मैं फेसबुक में लिखना ही छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं लिख के। तो मैं दो बात बोलूंगा एक्चुअली। ऐसे तो मैं कुछ दिन तक यहाँ भी उनका कई सेंटर्स मैंने गया है, बचपन में उनका 7 डे का कोर्स भी किया है। उसके बाद वो आपने बोल रहे थे, अरे आपने क्या, किया हाँ है हाँ नहीं देखिए, माँ? अच्छा, योगा कोई बुरी बात नहीं है, शुरू से लेकिन बताइए, शुरू से बताइए कि आप नहीं नहीं वहां शुरू गए से तो कुछ क्या नहीं। हुआ? वो क्या है, वो क्या है, हर जगह पे वो अपना सेंटर जैसे एक कैंप टाइप का करते हैं कि हम मतलब आत्मा परमात्मा का मिलन कर रहे हैं, देश बहुत खराब स्थिति में है, सब जगह क्या अधर्म ही अधर्म लगा हुआ है, काम क्रोध 5 रिपु जो है वो आपको बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको ये सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। तो ठीक है, आई वॉज इन स्कूल और मैं बड़ा इस टाइप का आदमी था, लड़का था कि आदर्श टाइप का, बड़ा आदर्श मुझे था। तो मैं सब बात सही बोल रहे हैं, ये तो मतलब हमारा काम क्रोध है जी, हमको सबको एक बर्बाद कर रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर तो जाना चाहिए, योगा करना चाहिए। तो 7 दिन योगा किया, उसके बाद बोल रहे हैं ठीक है हम तो यहाँ क्या कैंप बंक योगा कर रहे हैं। करवाया? क्या योगा नहीं करवाया? योगा ये है, ये योगा में बाकी कहीं नहीं देखा है, उसका नाम राज योगा है, राजयोग, लेकिन ना उसमें कोई राज का कोई बात है ना योग का कोई बात है। राज कोई भी राजा बोल दीजिए, राजा बोलिए या छुपने वाली चीज कुछ है, ये उन्होंने खुद ही अपने आप बना दिया। और ये आंख के लिए बड़ा खराब है, ये आंख को खराब करता है एक्चुअली। आप एक पर्टिकुलर डॉट बना के आप उसी को देखते रहो देखते रहो देखते रहो, या तो आपका बहुत आंख बहुत अच्छा हो जाएगा या बहुत बिगड़ जाएगा, पूरा बिगड़ जाएगा ये इनका। लेकिन आदत पड़ जाता है उसको देख देख के, देख देख के 1 घंटा 2 घंटा भी बैठ के देखेंगे उनको कुछ नहीं होता, ये उनका आदत हो जाती है। लेकिन हम लोग मैक्सिमम 1 मिनट भी देखेंगे तो हमारा आँख के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा। लेकिन ठीक है, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ता है कहते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ता है या आपका लिंक होती है परमात्मा से, ठीक देखिए है। इंदिरा जी, उससे वशीकरण करने में आसानी होती है ना। नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर आप नहीं चाहे तो आप किसी का बाप का दम नहीं आपको वशीकरण कर सकता है, लेकिन वशीकरण करने का इनका अलग तरीका है, वो योगा के टाइम में नहीं करते। राजयोग हो गया, वो एक वॉइस मॉड्यूलर जैसे बीके शिवानी करती है उस तरह हम वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, लाइट हल्का कर देते हैं, पीछे एक लाल लाइट लगा देते हैं आत्मा की शक्ल में, वो होता है ये आत्मा है, हम तो आत्मा तो किसी ने देखा नहीं, तो ये लाल लाइट के शक्ल में ये परमात्मा है, उसको आप ध्यान करो, आपका आत्मा उससे जुड़ जाएगा, आपका आत्मा चार्ज हो जाएगा। हाँ जैसे मेल हो गया या आपका बैटरी खत्म हो गया तो बैटरी रिचार्ज हो जाएगा, इस तरह वो हर तरह से आपको उल्टा बताने की कोशिश करते हैं। और उसमें बीच में भी बोल देते हैं कि अच्छा चलिए बाद में, ऑब्जेक्शन को बाद में आता हूँ, जो उनका भलाई भला चीज बोलते हैं। तो फिर वो ठीक है 7 दिन खत्म हो गया, मेरा ठीक है हो गया। हाँ नहीं आपको हमारा और आगे पढ़ो, और मैं बोला क्या मुझे स्कूल का ट्रेनिंग दोगे क्या, स्कूलिंग करना है तुम्हारे पास? बोला हाँ। बोला फिर मेरा स्कूल का क्या होगा, मैं तुम्हारे स्कूल में क्यों जाऊँ? नहीं ऐसा करो स्कूल में मत आओ, हमारा एक सेंटर है लोकल सेंटर, वहां आ जाओ। तो एक फ्रेंड मेरा रहता था पास में, मैं उसको पूछा उस लोकल सेंटर का कुछ है, बोला अरे 3 लोग रहते हैं, 2 लेडी हैं, एक आदमी है, वहां कोई आता जाता नहीं है, और ये जो आदमी है एक उसका बीवी है एक उसका साली है, और ये आदमी रात को साली को पकड़ के रेप करता है, बीवी रोती रहती है, ये उनका हालत है। आप सोचिए जहां इस तरह हरकत हो रहा है वहां आप कौन सा भलाई का आशा कर सकते हैं?
तो नेचुरली मुझे जाना ही नहीं था वहां, लेकिन एक तो ये हो गया। बाद में फिर कई मेरा फ्रेंड थे या उनके कहिए, वो वीआईपी टाइप का आदमी था, तो ये उस जगह को जाता था क्योंकि उसको उनका क्या है जो हॉस्पिटैलिटी बड़ा अच्छा लगता है, और वो जाता है तो ये सब आ जाते हैं, उसको फ्रूट वगैरह या खाना वगैरह बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाते हैं। जैसे वहां मैंने देखा है बिल्कुल कॉमन आदमी और वीआईपी आदमी में फर्क मैंने पक्का देखा है कि कॉमन आदमी आया तो उसको साइड कर देंगे, या खाना है तो दिया, खाना नहीं हो तो मना कर दिया कुछ किया, या वीआईपी आया तो उसको पूरा बिठा के स्पेशली ट्रीटमेंट करके उसको किया जाता है। तो ये तो मैंने देखा है, और वो लोग भी पीछे पड़े थे, ज्वाइन कर जाओ ज्वाइन कर जाओ, ठीक है देखते हैं। लेकिन वही जो उनका हाई लेवल में मीटिंग होती है, जो पुराने लोग हैं उनका मीटिंग होती है, उसमें मैंने देखा पहले तो भाई बहन आओ, भाई बहन मतलब हस्बैंड वाइफ आओ, ठीक है कोई बात नहीं, मान लो भाई बहन, कई जगह पे तो आनंद बहन भी बोलते हैं, मुरारजी भाई भी बोलते हैं, वो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है, आप पांच पांडव भी आ जाओ, पांच माने पांच दस, जो भी सारे फ्रेंड एक साथ आओ, सारे भाई एक साथ आ जाओ तो हमारे यहाँ ज्वाइन करो आके, तब तक भी ठीक है, ठीक है हम सबको बुला के ले आए। उसके बाद क्या है कि क्या बाबा के मतलब प्रति तुम्हारा, राजयोग में आ जाओ। नहीं 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 ये हायर स्टेज बोल रहा हूँ, जब जहाँ जब उनका बड़ा मीटिंग्स होते हैं, जहाँ बड़े बड़े मीटिंग्स होती हैं वहाँ बहुत लोग आते हैं, जहाँ बहुत लोग आते हैं। राजयोग कैंप में तो इतना नहीं होता, वो बस राजयोग ही करते हैं, आपको राजयोग है आपको पकड़ने का कोशिश, और ये कल्बिनेशन स्टेज में बता रहा हूँ, यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, कर्मी आते हैं, कर्मी रोते रहते हैं काम कर करके, कोई पूछता नहीं उनको खाना खाया नहीं खाया, क्या खाया, खुद ही कहीं से जुगाड़ करके खाते हैं, और खाना खा के अगर अपना उनको वगैरह खाना फ्री फ्री में नहीं देते। में देते हैं, बिल्कुल देते हैं फ्री में देते हैं, लेकिन काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं काम करना पड़ता है, और टाइमली खाना भी है, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक टाइम पे खाना है नहीं तो खत्म हो जाएगा, फिर वो कोई कुछ नहीं पूछेगा आपको, फिर जब रात को होगा फिर तब खाओगे, इस तरह दिन में दो बार या तीन बार जो भी है उसी टाइप का, कि आपको टाइमली बिल्कुल खाना है, और बाकी वीआईपी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो भी देखा है मैंने। और जो लोग आते हैं जिनको उन्होंने फांस के लाए हैं, ये तो कर्मी है, जो बाहर से आए हैं जिनसे उनको कुछ लेना है, तो क्या है, अरे शिव बाबा को क्या तुमने प्यार किया है, उनको अपना बेटा माना है, मतलब तो बाबा को बेटा माना है, पहले तो ये झटका लगता है, ये क्या चक्कर है, और क्या माना है, कैसे माना है, क्या उनको तुमने ये क्या कहते हैं जो आपके बेटे को देते हैं, जैसे हाँ बेटे को सामान देते हैं ना, ये जमीन देते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, वो एक पर्टिकुलर वर्ड है उर्दू में जिसको हम उत्तराधिकारी। मतलब, हाँ उसी टाइप का एक वर्ड है, मुझे एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसको आपने किया है, उत्तराधिकारी किया है या अपना हिस्सा दिया है, क्या मतलब आपका जमीन जो भी है, जो भी आपका पैसा है, जमीन है एक हिस्सा उसके नाम करना है। मतलब जैसे माले गनीमत लेता था मोहम्मद। हाँ, उसी टाइप का, माले गनीमत तो अलग मारपीट के लेता था, इसमें तो आपको ब्रेन वॉश करके, कि तुम शिव बाबा का अगर तुम परम भक्त हो, तुम अभी तक उसको अपना दायाद क्यों नहीं वारिस बनाया, वारिस बारिस, वर्ड। हाँ बारिस क्यों नहीं बनाया, बारिस बनाओ, मतलब एक हिस्सा बेटा बेटी सब मिला के एक हिस्सा उसको दे दो, मतलब हो सकता है चार बेटे हैं तो आप, मतलब चार बेटी बेटियां हैं तो एक हिस्सा आपने पांच हिस्सा कर दिया, एक हिस्सा दे दिया, नहीं तो तो एक हिस्सा दे के आध्यात्मिक बाकी, लोगों को जमीन की जायदाद की क्या जरूरत है? हाँ यही तो बात है, तो तभी तो लोग बोलते हैं ठीक है हम तो आध्यात्म लोग हैं तो हम इनको दे देते हैं और ये उसका ऐश करते हैं। अच्छा और दूसरी चीज क्या है, तो पहले तो बाप को बेटे बनाओ, हाँ बाबा शिव बाबा को बेटे बनाया तुमने, पहले तो हो गया, उसके पहले एक चीज है ब्रह्मा विष्णु महेश, उसका कल्पना हमारे मन में अलग है, तो ब्रह्मा के जगह पे एक आदमी घटिया सा आदमी का मुंह देखता हूं, तो पहले तो पहला ऑब्जेक्शन मुझे यह है कि ये कैसे ब्रह्मा हो गया, कहाँ से ब्रह्मा हो गया, कोई प्रूफ नहीं है, जबरदस्ती का ब्रह्मा बन रहा है ये, और हर जगह पे घुसा हुआ है, हर जगह पे घुसा हुआ है। जब गीता को मैं इतना रिस्पेक्ट देता था, मतलब गीता इसने बोला है, इसको गीता का जी अक्षर भी पता नहीं होगा, पहले तो ये हो गया। दूसरा चीज है बाप को बेटे बनाना है, शिव बाबा को तुमने बेटे बनाया, और तीसरी चीज क्या है,
कोई आए हैं, देखिए जरा मैं बोल कंटिन्यू करता हूँ, इनको ले लेंगे। तो तीसरा चीज क्या है, कोई लड़की है आपका लड़की, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मैं जस्ट खत्म कर रहा हूँ, एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। तो आप कोई लड़की है, या आपकी कोई लड़की है, या कोई लड़की मतलब शिव ब्रह्म कुमारी बन गई, तो वो क्या करेगी, अल्टीमेट गोल क्या है, वो शिव बाबा को शादी करेगी। आप सोच के देखो, भाई बहन भी, हस्बैंड वाइफ भी भाई बहन बन गए तो भी चलेगा, आप बाप से शादी करोगे और वो सबसे परम कर्तव्य है, और शादी करने के लिए भी बहुत ज्यादा गहना रुपया लेते हैं। एक कॉमन फैमिली में जितना दहेज नहीं दी जाती, ये लोग जबरदस्ती लेते हैं उनसे, और मतलब आप समझिए वो लड़की कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया होगा ये सब करके, जी। निकल भी नहीं। अरुण जी आपका बहुत स्वागत है, ये इंदिरा जी भी, आप जाइए मत इंदिरा जी, ये भी वहाँ गए थे बीकेएस में, तो ये भी अपना अपना जो है वो बता रहे हैं बीकेएस में। तो इंदिरा जी ये लोग आपको नहीं फंस पाए? नहीं फंस नहीं पाए, क्योंकि पहले तो एक वीआईपी मेरे साइड में रहता था हमेशा के लिए, डरते थे मुझे, और जब भी कुछ पूछते थे, मैं जब भी बोलते थे तो मैं कुछ सवाल पूछता था, इसका जवाब इनके पास होता नहीं था। तो वो एक फिर आध सवाल बताइए इंदिरा जी, आपने एक आध सवाल बताइए जो आपने नहीं। पहला तो है ये प्रूफ क्या है, ये जो आपके ब्रह्मा बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा है, सारा दुनिया की है वो, एक कुछ तो बना के दिखा दे मेरे सामने, या जिंदा हो जाए दोबारा, पहले तो ये हो गया। और दूसरा चीज है भाई, बाप मेरा बाप है, उसको मैं बेटा क्यों बनाऊं, ये मुझे बताओ। और ये लेडी जो बाप से शादी कर रहे हैं, उनको क्या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पकड़ रखा है, या आप ये घर घर में इस तरह चीज करना चाहते हो? तो चुप, इस तरह बात को बता भी नहीं सकते। शादी कर रहे हो, बाप से शादी कर रहे हो, बताओ, सिर्फ बाबा से शादी करना है, मतलब ये माइक के ऊपर, स्टेज के ऊपर बोलते हैं कि इतने लड़की आई हैं, वो सब सिर्फ बाबा से शादी करेंगे। जब वो बाबा है इनका, तो कैसे शादी हो सकता है? अब कुछ और कुछ नहीं है क्या, कोई रिलेशन और नहीं है? कितनी शर्म की बात है ना ये बात, यही तो बात है, यही तो बात है, सोच के शर्म आती है जी। अभी थोड़ा पॉज लेके अरुण जी आपका धन्यवाद आने के लिए, आ जाइए। ओमकार जी मुझे अभी उन्होंने 8 मिनट पहले बोला कि हाँ मैं ज्वाइन कर लूंगा टाइम पे, और फिर वो पता नहीं क्यों, या तो वो उनका कंप्यूटर खराब हो गया या पता नहीं क्या, उनको आता नहीं है, जुड़ नहीं पा रहे हैं अभी। वो कोशिश की, मैंने उनको मैसेज भेजा था बात करके, हाँ वो कह रहे कुछ पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने ट्राई किया कि कहीं पासवर्ड मांग रहा हूँ, मैं दे दूंगा, उनका फोन ही आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ। अच्छा वो चैट के लिए होगा, व्हाट्सएप यूज करने के लिए पासवर्ड, स्ट्रीम में आने के लिए पासवर्ड की जरूरत नहीं है, लिंक पे क्लिक कर लें, उनसे ये बोल दीजिए कि लिंक जो मैंने भेजा है ना वो उस पर क्लिक कर लें बस। कैसे कैसे भोले लोग हैं ना इंदिरा जी, कितने सारे भोले लोग हैं, उनको कंप्यूटर यूज नहीं करना आता, ये सब नहीं आता, इन लोगों को ये फंसाते हैं। सच है, ऐसे ही लोगों को फंसाते हैं, ये दुख की बात है। ऐसे लोग जो एक्चुअली बड़े सरल होते हैं, भगवान के भरोसा करते हैं, उन्हीं लोगों को फंसाते हैं, यही सबसे दुख की बात है। वो उनके अंदर चाह होती है ईश्वर को ढूंढने की, ये हाँ, सारे जी, जितने जी, भी जी, लोग बीके से बाहर हाँ, निकले हैं ये कितने भोले भाले हैं कि ये और ईश्वर को जानना चाहते थे और वहां जाके फंस गए। जी अरुण जी, वो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं? हाँ नहीं, वो कोशिश करें, डबल बार क्लिक करना पड़ता है, वो एक बार करके ऊपर नहीं कर रहे होंगे जॉइन मीटिंग वाले में, इसलिए नहीं हो पा रहे होंगे। तो उनको कह दीजिए ये ऑन कर ले, हम यहाँ दे देंगे लिंक, वो उनसे कह दीजिए स्ट्रीम में आ जाएं, यहाँ नीचे आ जाएं इस कमेंट इसमें यूट्यूब से, वो, हम यहाँ वो लिंक नीचे स्ट्रीम, जो वहाँ पे जो स्ट्रीम ज्वाइन करने का चीज होती है ना, वहाँ पे वो नहीं कर पा रही है, वापस ट्राई करें, शायद कर लेंगे दो चार मिनट, वो समझा दिए। अच्छा। बाकी मैडम बहुत लोग परेशान हैं और सब आना चाहती हैं, मेन बात ये है हमारे यहाँ पे, एक तो पढ़ाई लिखाई कम है, और कल्ट पे जितनी बुक्स हैं वो सब इंग्लिश में,
अब और अरुण एक जी, बार कल कल्ट की आपने बुक हमारी पढ़ी छप स्ट्रीम देखी जाएंगे तो थी? या तो उस कल्ट वाले को परमानेंट छोड़ देंगे आप। जी, मैंने आपको जी, मेल भी तो तो किया वो उनके जो बारे में। मीना जी एक आई थी, वो जो ये मीना परम जी आई थी, वो बता रही थी कि एक दशरथ भाई पटेल हैं, दशरथ भाई पटेल अहमदाबाद में, और वो जो है सारे बहुत सारे यूनिवर्स में वो मल्टीवर्स ट्रेवल कर चुके हैं, और वो तो बहुत ही सच्चे हैं, और बीके से निकलकर तुरंत वहां ज्वाइन हो जाना चाहिए। उसके ये बारे में स्वयं को आपको कुछ भगवान कहना है? घोषित कर रहे हैं, इससे बड़ा पाखंड कुछ हो। स्वयं को जो भगवान घोषित कर दे उससे बड़ा 420 कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपकी चेतना का संचार होता है तो आप दुनिया में ढिंढोरा नहीं पीटती हैं, आप कर्म करके दिखा देती हैं कि मेरे में भगवान का अंश आ चुका है, जागृत हो चुका है। तो वो ही काम कर रहे हैं जो बीके वाले कर रही हैं। और ये जो दोनों महिलाएं आई थी उनके उनके पॉडकास्ट में आती रहती है, मैंने इनको पहले काफी टाइम से चेक किया हुआ मैंने इनको। तो वो बार बार कह रही थी पीएचडी। पीएचडी का क्या मतलब? ब्रह्म कुमारी बीए कर ली और पीएचडी ओम परम शांति में आके कर लो। मैंने आपको लिख के भेजा हुआ है कि कौन कौन सी संस्थाएं हाँ बाहर निकली जो अभी चल रही है। हाँ मतलब आपने मेरे को और पहले ये ये तो मैंने बताया था कि चार, आपने कहा था चार ऐसी चीजें हैं जो इनकी से ही निकली हुई हैं, आपने ये बोला था मुझे पहले। ये परम शांति के जो दशरथ भाई पटेल है बीके में थे, उन्होंने पॉडकास्ट भी बनाए हुए। मैंने बीके क्यों छोड़ा, मतलब बीके में थे तो ही छोड़ा। फिर वो बीरेंद्र दीक्षित की एडवांस पार्टी पीबीके एक ही है, वो कंपिल में ऑफिस है। एक अभी देवकी मैया ओम शांति के नाम से खोला है उन्होंने रायपुर में, 1 से 1.5 साल हो गया। सेम चीज है उनका। और एक अभी गोरखपुर के हैं, वो दिल्ली में खोल के बैठे हुए हैं, उनका भी चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी 20-30 आदमी जुड़े हुए हैं उनसे। और उनसे एक आदमी जुड़ा हुआ था सुधाकर, वो छोड़ के चला गया हैदराबाद, उसने हैदराबाद में खुद को भगवान घोषित कर दिया है। मतलब जो इनसे काम सीख जाएगा बेवकूफ बनाने का, वो फिर भगवान ही बनेगा। और भारत में हर गांव में भगवान मिल जाती हैं। इनको समझाना पॉसिबल नहीं है। मैं तो अब ये सोच रहा हूं कि मैं इनको पटा रहा हूं, चाहे मेरी हाँ, वाइफ वो हो चाहे जो मीना जी बीके का बोलती जा फॉलोअर रही हो, थी, वो बोलती जा रही थी। उन्होंने बहुत गहरे में अध्ययन किया है मीना जी ने, वो तो बस एक बार शुरू हो गई तो बोलती गई बोलती गई, मतलब उन्होंने पूरा रट लिया है जो ये परम शांति वाला है। इसके बाद भी मुझे ईमेल्स देखिए आई हैं मैं मोना जी। आपने आपने जब वेद की बात की, वेद से पुराना लिटरेचर कोई नहीं है। और वेद अगर आप पढ़ती हैं और ब्रॉड माइंडेड होके समझती हैं उसको, उस पे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हैं, तो आपको किसी भगवान की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, फिर कुछ चाहिए ही नहीं आपको। क्योंकि मैं जी पढ़ा यही नहीं मैंने हूँ कहा कि मतलब वेद। उसको पढ़ने के बाद आपके अंदर ये आ जाएगी नॉलेज कि क्या आपको गुरु की क्लियरिटी, आवश्यकता है लाइफ कि की नहीं। क्लियरिटी आ जाती है, लाइफ की क्लियरिटी आ जाती है। हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हम सोचेंगे तो उससे हमारे पे क्या इम्प्लीमेंट हो। ये लोग वर्ड यूज कर देते हैं वाइब्रेशन। अरे वाइब्रेशन बाहर से थोड़ी आ रही है, जो हम सोच रहे अपने माइंड को दे रहे हैं, वो माइंड हमारे अंदर वाइब्रेट वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, वैसे हम कर्म कर रहे हैं। क्योंकि मैं आचार्य प्रशांत हैं, एक इंडिया के IITian हैं, वो हाँ वो वेद भी के तो बारे में बिल्कुल अध्ययन गलत है, मेरे करते हैं, मैं वो पीछे कई सुनता हूँ। लोग पड़ गए कि आचार्य प्रशांत को सुनिए, वो तो बड़ा अच्छा नहीं, बताते हैं। मैंने उनकी एक दो बातें सुनी तो एक दो तो सही लगी, कुछ बातें गलत भी लगी उनकी। मैं वो सुनता हूँ जो पॉजिटिव है, जो मेरे काम की है, वो मैं अपने पे इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। बाकी का जो है लगता है कि बेकार है, उसको अलग अलग कर देता हूँ। फिर एक अमी गनत्रा करके फीमेल है राजस्थान की, वो IIM करके अभी उन्होंने फिर संस्कृत वो सीखी बहुत है अच्छी है। और उनका इंटरेस्ट था, तो हाँ उनकी बातें सुनता हूँ, उनकी गहराई को चीजें लेता हूँ। बाकी मैं किसी को फॉलो नहीं करता, रवि शंकर जी ये सब किसी को फॉलो नहीं करता, कोई जरूरत ही नहीं मुझे इनकी। जी बाकी बीच में मैंने कोशिश की थी संस्कृत पढ़ने की, नहीं सीख पाया, मन नहीं लगा। आपको पता है अरुण जी, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची हूं, जैसे आप राधा स्वामी की भी मंगलाचरण सुनेंगे और उनका भी जो प्रेयर सुनेंगे और जो इस्लामियों का सुनेंगे और जो इनकी सेवा वगैरह, तो ये लोग एक्चुअली गुलाम बनाना चाहते हैं, दासत्व में आपको निपुण करना चाहते हैं,
कि मतलब आप जो मानसिक है वो गुलाम। हाँ एक अच्छे सेवक बनने के लिए अगर बस होना बस चाहते बस हैं तो इनको ज्वाइन कर लें। हाँ ये हाँ मैं नतीजे पे वो बोल रही हूँ। मैंने आपको वो बुक भेजी है ना, कम्बेटिंग कल्ट माइंड कंट्रोल, उसको आप पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको उनकी पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। मैं उसको अच्छा, दो ये बार ब्रह्म पढ़ा, मैंने तो कुमारियों उसको पे समझ है। में मुझे तो नहीं, रवि जी ने बोला था दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं, वो बुक उनको मिल गई है, उसमें क्रिटिसाइज किया हुआ है, लेकिन जो मैंने बुक भेजी है आपकी हसन की, इसमें कल्ट कैसे काम करते हैं पूरा है चीज दिया हुआ है, क्योंकि वो कल्ट रिकवरी करते हैं यूएसए में। जी, उसमें पूरा उन्होंने लिखा है कि कल्ट की रिकवरी कैसे हो सकती है, कल्ट को वो कैसे प्रोग्राम करते हैं और डी प्रोग्राम हम कैसे कर सकते हैं, वो पूरा लिखा है उन्होंने, क्योंकि वो कल्ट में ही पैदा हुए थे, उनके माँ बाप कल्ट में थे, उनको जी तो मौका ही नहीं मिला निकलने का, फिर बाद में जब बड़े हुए, पैर हाथ कुछ टूट गया, तब उनको मौका मिला तो निकल गए, तो निकल के उन्होंने स्टडीज की, क्योंकि वहां का माहौल अलग है, यहाँ का अलग है। अभी 2 महिलाएं और जुड़ी हैं, उनको हिंदी ज्यादा नहीं आती है, जी तेलंगाना से, उन्होंने 32 32 साल ब्रह्म कुमारी को दिए हैं अपनी उम्र के, अब ओ माय वो गॉड, 52 साल, उसके बाद उनको वहां से निकाल दिया गया है। जी निकाल दिया? क्यों? उनका पैसा समाप्त हो गया? पैसा जो लेना था वो तो ले लिया, अब वो अच्छी थी, कोई नया सेंटर खोला था बड़ा, जहां की वो हकदार थी, तो दूसरी कोई दीदी होगी, उन्होंने बीच में अड़ंगा डाल के इनको निकलवा दिया कि वही कुर्सी मेरी रहेगी। मैं तो इनके सारे एड्रेस भी दूंगा, कौन कौन से इनके सेंटरों पे कब्जा भी हो चुका है। हाँ ये दिमाग में इतना डर भर देते हैं सीधे साधे आदमी को कि वो आदमी उस डर का सामना नहीं कर पाता, निकल नहीं पाता। बहुत सारे बीके वालों ने मेरे को इतने में वीडियोस भेजने शुरू कर दिए हैं और मेरे को लिख लिख के बोल रहे हैं कि आप ये सुनिए ये सुनिए, और आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, ऐसा नहीं है। ये एक्स बी के सुनैना जी कह रही हैं ऋषि सिन्हा को भी बुलाइए अपने पॉडकास्ट में। अरुण जी, कैसे उन्होंने अपनी वाइफ को बीके से निकाला? ये आपके लिए हाँ, मैसेज है अरुण जी। ऋषि सिन्हा की वाइफ निकली नहीं है बीके से, वो तो नहीं निकली निकली? नहीं है, नहीं, एक राजेश राजेश जी हैं, उनकी वाइफ भी निकली नहीं है, 70% रिकवर हुई है, नॉर्मल हुई है, बाकी एक थे उनकी वाइफ, तो उनकी वाइफ की डेथ ही हो गई, अच्छा, काफी हमने कोशिश की रिकवरी की, नहीं हो पाई, उनकी डेथ हो गई। जब किसी की डेथ हो जाए बीके की, तो ये क्या करते हैं, उसका कुछ पता है? उसमें भी खाती हैं, वहां जाती हैं ये दीदियां, वहां फिर उनसे 5,000 10,000 लेती हैं भोग के लिए, और कहाँ गए हैं वो पता करने के लिए, और आके उस जो बता देती मरी हैं वो। है उसके पास जी कहाँ से पैसे होंगे? मान लो वो तो अपना घर बार छोड़कर आ गई है, तो अब उस पर मैं, हाँ पैसे हाँ कहाँ एक एक होंगे? एक मिनट देखिए, इनका जो चाल है, कोई एक फीमेल को ये पकड़ते हैं, उसको कंट्रोल में कर लिया, अब उसके थ्रू मार्केटिंग करवाते हैं कि अपनी पति को ले आ, अपनी बहन को ले आ, और जब पति पत्नी इसमें चले गए, दोनों पागल हो गए, तो बच्चे कहाँ जाएंगे बेचारे, बच्चे भी बचपन से चले जाएंगे, उसकी अगर माँ मरेगी तो बच्चे तो ब्रह्म कुमारी में ही हैं, शादी भी नहीं की है, देंगे ना सब उनको। इनका कहना ये है, सोचना ये है, बिना एक गोली चलाए पूरे संसार को 3 कदमों में नाप के ले लेना है हमें, कोई लफड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई केस नहीं, नहीं अब इनके ऊपर केस होने शुरू हो गए हैं। आप कहें तो कल वाले पॉडकास्ट में मैं बात करूं, संडे वाले, एक चंडीगढ़ की महिला हैं जो 5 5 साल बीके में थे, उन्होंने 2 केस किए हुए, और नेक्स्ट मंथ में उनकी तारीख पड़ रही है चंडीगढ़ में, तो मैं भी शायद जाऊंगा उसमें, आप तो इन लोगों की बहुत आगरा, मदद कर रहे हैं। अभी आगरा में जो सुसाइड केस हुए, दोनों बहनें मरी हैं, उनके भाई को भी लाऊंगा मैं पॉडकास्ट में, और अभी एक और भी डेथ हुई है बुलंदशहर बागपत में, उसकी बहन से मेरी बात हुई है, तो अभी वो मेंटली फिट नहीं है, जैसे मेंटली फिट होती है मैं उससे बात करूँ, उसको भी लेके आऊंगा पॉडकास्ट। ये सारी पुलिस केस रफा दफा कर रही है, दबा रही है,
नहीं तो जो सुसाइड केस में लड़की लिख के गई है वो तो लास्ट सेंटेंस माना जाता है, उसके बाद भी उसको कोर्ट से जमानत मिल गई, मतलब आईओ ने कुछ गलत लिख दिया था उसमें रिपोर्ट में। पर हमारी प्लानिंग है, अभी हम सीएम योगी से भी मिलने वाले हैं, मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, अकेला पड़ जाना हूँ, अदरवाइज मैं इनकी हर जगह कंप्लेन लगाऊंगा, हो कि ना मैं हो तो कुछ कहती मुझे नहीं हूँ मालूम एक है, इंडिया में कानून लेकिन हो अपनी जो तरह भी से वो अपने आप को ईश्वर घोषित करे उसको जो है उसमें डाल दिया जाए, कैद खाने में, जो अपने आप को ईश्वर घोषित लेकिन करे वो हमारे उसे एक कैद खाने में डाल। इन्होंने आशाराम हमारे जी के साथ तो जैसा बहुत हमारे बुरा दोस्त किया, आशाराम बापू जी बेचारों ने तो कुछ करा नहीं था, उनको इन्होंने फंसा दिया। देखिए कोर्ट को काम करना चाहिए अपने हिसाब से। अभी हम मान लीजिए हम BIL डालते हैं, तो अभी ब्रह्म कुमारी के इतने फॉलोअर्स हैं कि वो जज की पोस्ट पे भी बैठे हुए हैं, जज जब की पोस्ट पे प्रेसिडेंट भी वाली बैठे हुए पोजीशन हैं। पर भी है, प्रेसिडेंट की पोजीशन पर भी है तो क्या? हाँ तो बताइए। हाँ, नहीं खैर अभी मैं जो भी पोस्ट वगैरह डालता हूँ PMO को टैग करता हूँ, बाकी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि एक अच्छा सा लेटर ड्राफ्ट करके सारी मिनिस्ट्री में डालूं और बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL डाल दूं। होगा नहीं होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में कर्म करना है, वो कोशिश अच्छा, कर रहा ये हूँ। जो मीना जी कल बता रही थी बहुत ज्यादा दशरथ भाई पटेल के बारे में कि भाई वो बहुत सच्चे हैं और उनको वो उन्होंने तो बहुत सारे मल्टीवर्स ट्रेवल करे हुए हैं और उनके जैसा कोई जानी है ही नहीं अब तक हुआ, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए डिटेल में। दशरथ भाई पटेल ब्रह्म कुमारी में थे, उनके पॉडकास्ट हैं अवेलेबल, आप देख सकती हैं यूट्यूब में, वो भी बता रहे हैं कि मैंने ब्रह्म कुमारी क्यों छोड़ा। फिर वो जब उन्हें परम कोर्ट के आगे में शांति ज्ञान मिल गया तो करते हैं, परम शांति। पर ओम शांति परम शांति सब शांति शांति तो कर रही हैं, और शांति को तो शांति प्रिय बेच रही हैं और समुदाय क्या कर रही भी हैं ये। है जी, हाँ शांति प्रिय शांति समुदाय भाई भी भी है, है। वो शांति को बेच के करोड़पति बन रही हैं, उनका तो ऐसा ही है, बस चलता रहेगा जब तक हमारे देश में पागल विधु रहेंगे और शिक्षा पद्धति नहीं चेंज होगी, ऐसे ही चलता रहेगा। जबकि ये 7th 8th क्लास में ये स्टडीज होनी चाहिए, माइंड कंट्रोल की, ब्रेन कंट्रोल की, क्या क्या है हाँ वो सब होना चाहिए अच्छा, पढ़ाई में अब बच्चा अरुण जी बच्चा। मैं आपको एक किताब भेजूंगी, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, उसमें विश्व भर के जितने कल्ट्स हैं उनमें क्या समानता है वो दी गई है। तो ये सारे कल्ट्स में एक बात तो इन सबका एक ड्रेस कोड होता है, इनका जो ड्रेस कोड ऊपर होता टॉप है पे खाना, बंदा बंदा होता देखिए है। ड्रेस कोड हो गया, इनकी लैंग्वेज शब्द चेंज कर दिए जाते हैं, दो हो गया खाने पीने का तरीका चेंज कर दिया जाता है, सोने उठने का टाइम अपने हिसाब से तो कंट्रोल किया जाता है, इनका बिहेवियर कंट्रोल किया जाता है। जैसे अभी ब्रह्म कुमारी में बाथरूम जाओ तो नहाओ, चाहे 4 बार बाथरूम जाओ 4 बार नहाना पड़ेगा, तो उस औरत को टाइम कहाँ मिलेगा, सुबह 3 बजे हाँ उठेगी ये तो या हम 2 बजे इस्लाम में उठेगी, है कि उल्टे पैर से क्या है, दो बाथरूम में कौन सा पैर पहले रखो, 3 दफे उठते ही 3 बार थूको अपने लेफ्ट साइड को और इतनी बार ये करो वो करो, बिल्कुल ये माइक्रो कंट्रोलिंग। नहीं। इनके ब्रह्म कुमारी में ये क्या कहा जाता है कि जो बाबा का ज्ञान है आपको दुनिया में बांटना है, मैं सबको ऑफर कर रहा हूं आपको बाबा का ज्ञान बांटना है ना, हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आओ ना बांटो, तो फिर जो इनके अंदर कचरा है ये खुद आके उगलेंगे प्लेटफॉर्म पे हमारे, तो बहुत बेहतर रहेगा, तो सही बात बनेगी। कि हम कह रहे हैं लोग सोचते हैं विश्वास नहीं करते, लेकिन इनका ही आदमी आके कहेगा कि हाँ हम ये हमारी मान्यता ये है, तब मजा आएगा ना। एक्चुअली मैंने इनका जो ब्रह्म कुमार संदीप जी हैं उनको इनवाइट किया है अपने चैनल पे, उनसे मैं कनेक्टेड हो गई हूँ फेसबुक पर और मैंने उनको इनवाइट किया है जरा मुझे ब्रह्म कुमारी में जो है शिक्षा देने के लिए, तो अब देखो कब आते हैं वो। हाँ आए तो आप होस्ट रहिए, को होस्ट मुझे रख लीजिएगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उसे बड़े प्यार से पूछा जा सके, उनकी गंदगी निकाली जा सके। नाजिया जी आप मुस्लिम हैं या तो अभी इंडिया में भी आप हमारी ब्रह्म प्लानिंग, कुमार? नाजिया जी आप ब्रह्म कुमारी हैं, मैं लिंक दूंगी जरूर, लो मैंने लिंक दे देती हूँ,
आप क्या ब्रह्म कुमारी हैं या आप इस्लाम मुस्लिम हैं नाजिया जी? ये बोल रहे हैं आप अपनी वाइफ को बुलाइए अरुण भाई, बी के शिव शक्ति बोल रही हैं, बी के शिव शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कोशिश है, अगर वो आए तब बुला सकता हूँ ना। मेरे हाथ में तो नहीं है, मैंने तुमको ऑफर दे दिया है। मैंने तो उसके सेंटर की दीदी को भी मेल किया है कि आप आइए। आप कह रही कि हमारा कोई रोल नहीं है, तो अपना रोल बताइए, आपने क्या कहा था क्या नहीं कहा था। जैसे पुलिस करती है आमने सामने बैठ के बात करती है, तो आप लोग भी सामने बात बैठिए और मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो जी अब कोई मैंने मैं लिंक दिया पावरफुल है आदमी तो है नहीं जो इनके का ऑर्डर लिए, पकड़ के ले आके। नाजिया जी के लिए लिंक दे दिया है, ज्वाइन कर सकती हैं। जी अमित जी का आप, मैं अमित जी से सहमत हूं कि ये लोग का नाम इन्होंने सही दिया है, क्या कहेंगे अरुण जी? शांति धूर्त है ये। आपका ये फ्रीज हो गया है स्क्रीन अरुण जी। अच्छा तेरा इंदिरा जी ने क्वेश्चन पूछा है बी के शिव शक्ति से कि पहले तो आप ये तय करें कि वो बहन है कि वाइफ है। ये कितनी लज्जा की बात है, मैं तो कहते हुए भी हम हंसी में बोल रहे हैं, पर ये कितने शर्म की बात है कि कभी किसी को बहन बोलना, कभी किसी को वाइफ बोलना। मतलब हमारे यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा है, मन से वचन से कर्म से एक होना। हेमा जासमिन बोल रही है बी के तो देखिए बड़ा जब फल हम फल इनसे फूल रहे हैं, आप लोग केस करने जब वाले हम इनसे जॉबलेस बहस होते जाओ। करते हैं। ये हेमा जासमिन जी ने आपको एक मैसेज भेजा है, बी के तो फल फूल रहे हैं, आप लोग जैसे वाले जॉबलेस होते जाओ। तो मतलब ये तो धमकी मैं दे नहीं रही है फल ना आप। फूल रहा हूँ, मेरा अच्छा मैं इनको बता रहा हूँ मेरा अच्छा बिजनेस है। अब तुम अपनी बहन को संभालो जो भीख मांग रही है, अपने भांजों को संभालो जिसको मैंने छोड़ दिया है। जाओ ना, एड्रेस देता हूँ, फोन नंबर देता हूँ, जाके संभालो उनको। यहाँ क्या बहस कर रहे हो तुम? उस बहन को नहीं देखोगे जो जा चुकी, मैं छोड़ चुका, पैसा नहीं दे रहा हूँ। दे आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, उसको ब्रह्म कुमारी से निकाल दिया गया। बात करो ना, हेल्प करो। यहाँ बोलने से कुछ होगा क्या? नंबर शेयर कर दो अपनी दीदी का, सेंटर की दीदी का। इनको बोलिए ये अपना नंबर मुझे शेयर करें, मैं इनके घर जाता हूँ, इनसे मिल के आता हूँ। है हिम्मत? ओपन आती हैं। हम कृष्ण को मानते हैं, लेखराज को नहीं मानते। अगर हिम्मत है तो आओ, नंबर दो, खुल के सामना करो। लेखराज को क्यों मानेंगे? हम राक्षस हैं जो लेखराज को मानेंगे? नहीं, ये मैं लोग कह तो रहा हूं मैं राक्षस सच्चे हैं। कृष्ण को मानता हूं। ये लेखराज के चमचे हैं, सामने खुल के आए ना, फोन नंबर दे, आईडी प्रूफ करे अपनी कहां लेखराज के को हैं, मैं मानने उनके घर वाले जाके सब मिलूंगा। पिशाच हैं, सब पिशाच हैं ये। मैडम एक मैं इनसे कह रहा हूँ जो भी ये बहस करना चाहते हैं अपना एड्रेस दें, मैं इनके घर पे आता हूँ, या ये मेरे यहाँ आ जाए, वेलकम है। वो एड्रेस नहीं देंगे, इनको पता है, इनकी पोल खुल जाएगी पूरे मोहल्ले में। मैं इनको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, जहां कहेंगे इंडिया के किसी कोने में मैं आने को तैयार हूँ। मैं तो कहती हूँ ऊपर आ जाइए ना, मैंने एक लिंक दे दिया है, ये मेरा लिंक और है, नहीं, यहाँ और पर ऊपर आ जाइए। अगर हेमा बदली जैस्मिन अगर जी और बदली बी के शिव शक्ति जी, आप ऊपर पैनल पे आके अरुण जी से बात करिए ना, नीचे से क्या बात कर रही हैं? आइए ना, अपनी आईडी खोलिए, आप कहाँ है ये क्या है, लिंक परिवार में सबके लिए कौन-कौन नहीं बीके, मैं है। मेरे सवालों के जवाब दीजिए। हर हर महादेव जी, आपको क्या कहना है? मैं सबके लिए लिंक नहीं देना चाह रही हूँ, खाली बी के से सताए हुए लोगों के लिए है। ओ देन आई थिंक आई एम सो सॉरी इट्स दीदी। ओके, यू कैन वॉच फ्रॉम डाउन। जी राजीव जी, मैं फिर खुल के कह रहा हूं, जो बीके का समर्थक हो कभी भी प्रीति जी को मेल कर दे, तारीख बता दे, समय बता दे, आ जाएं, सवाल जवाब कर लेते हैं। हाँ, लेकिन उसमें सवाल जवाब पूरे होंगे, इनके फैमिली बैकग्राउंड का, मेरी फैमिली बैकग्राउंड का, मैं अपनी आईडी प्रूफ दूंगा, तुमको भी अपनी आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। आधी अधूरी बातें नहीं होनी चाहिए, जी कोई अरुण हो जी, जब से ऐसा, पहला पहला खुल के हमने चैलेंज कर रहा पॉडकास्ट हूँ, चैलेंज किया एक्सेप्ट करे। है, मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। परसों आया था, मैंने अपील करी कल,
तो उसको भी इन्होंने मना कर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कौन सा फाइनेंशियल डाटा दे रखा था अपना। मैम रीजन क्या दिया है उन्होंने? रीजन दिया है कि मैंने दूसरों का कंटेंट यूज करा है, और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 3-4 बार ये मेरे पर कॉपीराइट लगा चुके हैं। किस शब्द पर? नमस्ते बोलने पर। मैंने नमस्ते शब्द एक्चुअली में मैं शुरू में स्तुति लगाती हूँ ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक दिल्ली का लड़का है जी, उसने चैनल खोल रखा है स्टाइल रख के नाम से, उसने ब्रह्मकुमारी के दो वीडियो बनाए थे, बड़े अच्छे वीडियो बनाए थे, उस पे इन्होंने कंप्लेन की थी। डीके के फॉलोअर इतने पागल हैं, अंधे हैं, उनको एक बार मैसेज दे दिया कि भाई इसको कंप्लेन करनी है, वो कंप्लेन कर देंगे, 1000 कंप्लेन चले गए, तो उसका भी 3 महीने के लिए वो कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया था उसका। तो उस लड़के ने लाइव आना शुरू हो गया फेसबुक में। मेरा ये ऑलरेडी लाइव है फेसबुक किया है। अरुण जी ये जो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं ये दो जगह और जा रहा है। हाँ हाँ जी हाँ हाँ। एक गाली बाजी बाबा जी जुड़े हैं, आपको क्या कहना है गाली बाजी जी? और राजीव यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है। मेरे बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है। नहीं नहीं इनके गाली बाज बाबा के। अच्छा मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने जो वीडियो बनाई थी अभी एक वीक से हम लोग हर वीक वीडियो बना रहे हैं, बीच में भी आपके द्वारा जो डायरेक्ट लोग संपर्क कर रहे हैं उनके उनको आप ला रही हैं चैनल पर, इस बीच में मैं कमेंट में देख रहा हूँ कि हम पॉइंट बाई पॉइंट आप उनको कॉमेंट में बता रहे हैं कि आप खुद बिना निष्पक्ष होके यदि हमारी बातों को सुनेंगे, आप अपनी आंखों से ब्रह्मा कुमारी वाला चश्मा उतारिए, उसके बाद गलत सही को दोनों तराजू में रख के तौलिए क्या गलत है क्या सही, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। तो वो जो मुरलियों में सुनाई जाता है उनको जो ट्रेनिंग दी गई है उसी को रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, और इनके पास कुछ नहीं है कहने को, बस यही कहेंगे। राजीव जी जिसके पास दिमाग ही नहीं है उससे आप बहस क्यों करते हैं, कोई फायदा नहीं है इन लॉजिकल लोगों से बात करने। बात ये ना इनका पास अब ये रोबोट की तरह बोलते हैं, ये रोबोट हो गए हैं, इनसे कुछ भी बोलो ये वही वही, जैसे एक तोते को रटा दिया जाता है ना तो बस वही चालू हो जाते हैं। एक बार जैसे कि आपने उसका ढक्कन खोला तो उसमें से वो फैन निकलता है, बस वैसे ही ये बोलते जाते हैं बोलते जाते बोलते जाते हैं, जो रटा हुआ है ना उल्टी कर देते हैं, रिकॉर्डिंग है वही निकलेगी। हाँ, बस। और हम जब वो लोग बोलते हैं कि मैं आपको भी कई बार उन्होंने बोला है कि आप ये ऐसा क्यों बोल रही हैं, फिर मुझे भी बोलते हैं कि आप ये क्या बोलते हैं पता नहीं कैसी वैसी आत्मा है। मैं कहा मेरे साथ मान के चलो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ पागलों से। नहीं नहीं मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, तो पागलों का बुरा मत मानिए, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मैं उनको यही प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम तुम अपना दिमाग खोलो तर्क शक्ति दिमाग की बढ़ाओ। अच्छा, और सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। इन्होंने एक अभी ब्रह्म कुमारी ने फिल्म रिलीज की है। अच्छा लाइट तो वो कहीं सिनेमा हॉलों में लगी नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला, तो इन्होंने अपने सेंटरों में लेटर लिखा है कि सब मुर्गियों को पटाओ और फिल्म दिखाओ हो जाए एक जिले में, तो हम वो फिल्म दिखाएंगे, मतलब सबसे पैसा लेके ही दिखाएंगे, मतलब पिक्चर भी इनके पैसों से बनी है, इनको ही काट के इनको फिल्म दिखाएंगे उसमें कमाएंगे भी। इसको कहते हैं सेल्फ पीआर। इस फिल्म के लिए तो एक अलग से पॉडकास्ट डिटेल में हो सकता है कि क्योंकि ये वीडियो जो है फिल्म है ये यूट्यूब पर भी है, ऐसा नहीं है कि ये लोग सिनेमा हॉल में कुछ अलग चीज दिखाएंगे। मुझे तो ये इनका मैसेज पढ़िए, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मादक पदार्थ खिलाकर बलात्कार करके वीडियो बना लेते हैं और इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, सारा खेल यही है। प्रीति जी अब आप इस बात को स्वीकार करें या अस्वीकार, पता नहीं, मेरे पास इसका प्रूफ तो नहीं है, बिल्कुल पर पूरी पूरी संभावना है कि ऐसा होता होगा, क्योंकि जब उनको कुछ कोई अच्छा लग जाए, जब भी आप पॉडकास्ट करें ना शुरू में अनाउंसमेंट कर दें, जो भी ब्रह्म कुमारी से पीड़ित परिवार है और मेरा नंबर ये स्क्रीन पे डाल दीजिए कि इनसे संपर्क करें, आपकी सारी मदद की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी, काम तो आपको ही करना है, लेकिन कल से निकालना कैसे है ये समझाना हमारा काम है।
आजकल तो ये राजीव जी ने बड़े सुंदर तो सुंदर आपका काम थंबनेल है। बनाए थे, तो इन्होंने ही आपका नंबर डाल दिया था जी। राजीव जी जी वो मैम ड्रॉप हो गए हैं। बीके शिव शक्ति जी जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ऊपर आइए पैनल पे। आप लोगों से बात करने का मतलब है कीचड़ में पत्थर मारना, तो कीचड़ में तो कमल उगता है बीके शिव शक्ति जी। और जो कमल है वो तो कीचड़ में लिप्त नहीं रहता, इसी प्रकार संसार जो है रूपी जो कीचड़ है उसमें हमें कमल की तरह निर्लिप्त रहना है। तो आप जी आइए मैडम, ऊपर और हमारे साथ ये बातचीत नहीं करें। आएंगे, ये नहीं आएंगे, इनके अंदर क्षमता नहीं है आने की और अपनी बातों को रखने, क्योंकि ये खुद जानते हैं कि मैं रटा रटाया बोलूंगा और उनके पास कोई भी चीज बोलने के लिए नहीं है, कोई भी तर्कवादी चीज बोलने के लिए नहीं है। और लगातार यही जो बीके पता नहीं क्या थे अभी, यही पूरा कमेंट की भरमार किए हैं, जितने सवाल देता हूँ वीडियो से मेरी बातें उठा उठा कर बोलते हैं, मैं उस पर भी उनका जवाब देता हूँ, लेकिन बस वही जिनको इनको दिमाग में जो फीडिंग की गई है उसी को रिपीटेड रिपीटेड बोलते हैं, और कुछ नहीं इनके पास है बोलने के लिए। जी यहाँ तक इनको मैंने तो पॉइंट वाइज में बताया कि ये पॉइंट आपने, आपके पास समस्या है, ये पॉइंट आपने, आप गलत कह रहे हो, आप समझाओ। ये केवल एक पन्ने का लिखवा देंगे और वो भी वही जो उनके दिमाग में भरा गया है, रिपीटेड चीज है, वही जो ब्रेन वॉशिंग करके भरी गई है, सेम चीज है, रिपीटेड बार 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 बोलेंगे और कुछ नहीं है। इसीलिए ये लोग आप यहाँ पे लाइव में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं, जो 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 चीज है वही इनके बात दिमाग है में भरी जैसे है। इस्लामी नहीं आना चाहते हाँ जी। अखंड भारत जी, अभी हम खाली ब्रह्म कुमार संस्था से पीड़ित लोगों को ले रहे हैं। आप ब्रह्म कुमारी संस्था में गए हैं कभी? नहीं गया नहीं हूं। तो मेरी एक सहेली है जो मेरे साथ कुमारी अटैच है, तो मैंने उसको बोला उस दिन कि ब्रह्म कुमारी गड़बड़ सबरा सुन रहे रे, तो बोले कि मैं अभी नहीं जा पाती हूँ लोग से उन लोग के पास। तो फिर मैंने बोला कि एक काम करना, तेरे को मैं आज ये दूंगा, ठीक लिंक है, तो दूंगा जब वो 8 बजे आ के। जाएंगी तो आप उनको लेकर आ जाइएगा नहीं जी। सुनिए ना शैतान सर, जी मैं क्या उस बोल रहे हैं आप सभी से ये निवेदन है कि कोई यदि बच सकता है फंसने से तो कृपया उसी कोई उसको जरूर ये वीडियो भेजे जो लगभग 1 या 2 दिन या आप उसको जरूर भेजे जो इसमें जा रहा है, क्योंकि कब किसका दिमाग खुल जाए और कब आपके माध्यम से किसी व्यक्ति का भला हो जाए ये कोई नहीं जानता है। जी? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। शैतान जी आपको क्या कहना है, वो ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? वो मुझे नहीं लग पा रहा ज्वाइन कर पाएंगे, उनको मैं हर तरह से बता दिया हूँ। मैं एक छोटा सा वीडियो भी इस मामले में बनाया कि जो नए लोग हैं तो नहीं, उनको आपने ज्वाइन उनको करने बहका के दिया, लिए वीडियो वगैरह मत दिखाइए उनको, वैसे ही नहीं आता है कुछ। आप उनसे बोलिए लिंक पर मैंने क्लिक करें। हम सब कुछ करके उनको लाइव दिखा दिया आपके लिंक में। मैं अपने दूसरे फोन से आया था आपके, इसमें दिखा रहा था लाइव की देखो कैसे ज्वाइन करना है। तो वो बोलते हैं कि जैसे मैं लिंक में टच करता हूँ कुछ आता ही नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश करते था उनको ज्वाइन करवाने के लिए, अच्छा धन्यवाद आपका बोल रहे फिर। मुझे आता ही नहीं है, तो ठीक है, अब क्या करें, हम थैंक कोशिश यू तो बहुत किया लेकिन थैंक नहीं यू, हो पाता। कोशिश करने के लिए थैंक यू जी। आपके अखंड भारत पास जी आपको मैं नहीं ले लूंगी अभी, जब आपकी सहेली आ जाएगी बीके से तो उसमें, आज अभी बीके की स्ट्रीम है ये। बोलिए अरुण जी। मैम, ये जो अभी हाँ आए मैं ये थे कह रहा हूँ, उनसे ही, आप अनाउंस कर दिया करिए कोई भी इंडिया में बीके से पीड़ित परिवार है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है, राय मशवरा कर सकता है। क्योंकि असल में क्या होता है, पत्नी बीके में चली गई है, एक तो पता 3 साल बाद पता चलता है, वो गुप्त ज्ञान रखते हैं किसी को पता नहीं चलने देती है, और जब पता चलता है घर में फिर लड़ाई झगड़े होती हैं, तो उससे और भी मैटर बिगड़ जाता है। इन इन लोगों से लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। वो जो भी पीड़ित परिवार हो मुझसे संपर्क करेगा, मैं उसे एक ही चीज समझा दूंगा, काम तो उस पर उसी को करना है। जी और अरुण जी, मैं ये कहना चाहती हूँ ये चैनल आप ही का है, आप इसको अपने चैनल की तरह ट्रीट करिए और लिंक दे दीजिए, और जो भी इस चैनल पे ज्वाइन होगा तो उससे आप ही डील करना। मेरे भी रहने की जरूरत नहीं, आप ही कंडक्ट करो, आप ही राजीव जी और आप दोनों मिलकर कंडक्ट करो, आप ही चलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मैंने हम लोगों के लिए ही खोला है, सारे हिंदुओं का मदद के लिए, तो आप लोग ही कंडक्ट कर सकते हो इसको मेरे चलिए रहने की। राजीव जी और मैं मिलके कंटेंट्स बना लेते हैं और लोगों को बुला लेंगे। आप रहिएगा, आप ठीक बीच है में क्वेश्चन पूछ सकती हैं, क्योंकि आपका भी जो ज्ञान है वो हमारे काम का है। जी, तो आप बिल्कुल मतलब जैसा आप चाहें,
मैं आती जाती रहूंगी और आप लोग बनाइए और डेली करिए इस पर। डेली में हमें इतना कंटेंट बनाने में टाइम नहीं मिल पाएगा, वीकली ठीक रहेगा। ये ओमकार यादव जी का मैंने आपको दिया है, एक और है जिन्होंने ज्वाइन करा है। नहीं, ओमकार यादव जी से मुझसे जुड़े हुए हैं, 15-20 दिन से जुड़े हुए हैं, इनका लड़का ब्रह्म कुमारी में है, तो इनसे मेरी बात हुई है कि अपने लड़के से मेरी बात करवा सकते तो करवा दीजिए, अभी पूरा जुड़ा नहीं है वो। कोई प्रियम कुमारी जी जुड़ी है, प्रियम कुमारी जी आप क्या बीके संस्था की विक्टिम है? प्रियम कुमारी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, ड्रॉप हो गई। अच्छा, वो मोना जी का भी आपको मैं लिंक दे दूंगी, मोना जी से भी आप जुड़ सकते हैं। जी ठीक है। वो जो कल आई थी ना, दो मोना और मीना, उनका वो मोना जी तो कैलिफोर्निया में रहती हैं। मैम मीना जी तो लेकिन अपने परम शांति का प्रचार करने के लिए आई थी, जहाँ तक उनकी बातों से मुझे दूसरी लगा। वाली भी को वो बता रही थी ज्वाइन करने का। वो उन्होंने मोना जी ने सही चीजें बताई, लेकिन ये अपनी जो समस्या थी वो बताई, लेकिन वो भी उनको अपने परम शांति वाले, मतलब आप इधर से बच के निकलो और उधर जाके फंस जाओ, वो देख ही रही थी आप क्या कह रही थी कि और पता नहीं कहाँ जाना है। ये मेरे हिसाब से तो ये सत्संग में किसी को जाना ही नहीं, किसी प्रकार के सत्संग में नहीं जाना चाहिए। अपना गीता और हिंदू जो सनातन वेद और ग्रंथ है उनको पढ़ना चाहिए। हाँ, उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो लोगों से सहायता लेनी चाहिए, बाकी इन सब चक्करों से जितना दूर रहो, सत्संग फत्संग ये सब लोगों का ब्रेन वॉश करके। और जैसे मैडम ये समझिए, आप मंदिर है वहां पर दान पेटी से उस मंदिर की इकोनॉमी चलती है, तो वो स्पष्ट है कि हाँ भाई मंदिर हमारे हिंदुओं के चंदे से चल रहा है। ये लोग नहीं बताएंगे कभी कि ये किसके पैसे से चल रहा है। ये बस वही है कि हम लोग निष्पक्ष हैं, कभी कोई भी जो ब्रह्मा कुमारी वाला है ये नहीं कहेगा, चाहे संस्था वाले नहीं कहे, कि हमारा इस तरह से पैसा आ रहा है और हम इस तरह से सत्संग को चला रहे हैं। वास्तव में वो इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि ये डरते कितना है कि लोगों को फोन नहीं देते हैं, कोई फोन वीडियो ना सुन ले, बाहर का वीडियो कोई सुन ना ले, और ऐसे दबा दबा के रखने, मतलब कि आप लोग वहां पर संस्था में अपना फोन नहीं कैरी कर सकते हैं, लोगों से बाहर की दुनिया से बात नहीं कर सकते हैं, तो ये तो डरने वाली बात है। इसका मतलब ये लोग सारा ब्रेन वॉश ही कर रहे हैं, ये तो साफ लग रहा है जी। मैडम एक और महोदय थे, उन्होंने कहा था कि तुम वो जो फोटो लगा है वो तुम नहीं हो, तो मैंने उनको वादा किया था कि नहीं मैं पॉडकास्ट में आऊंगा, मेरे यहाँ लाइट की समस्या है, रात को छत पे लाइट नहीं होती है, उनको अपना चेहरा जरूर दिखा देता हूँ, देख लीजिए मैं वही हूँ जो आपको फोटो में दिख रहा हूँ, और उम्मीद है कि हम कोई ना कोई जरूर बड़ी वजह होगी कि जो मैं आपको अपनी खुद की तस्वीर दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इतना परेशान। आपकी तस्वीर नजर नहीं आई राजीव जी, कुछ लाइट जी, नहीं होगी वहां पर। अभी अभी दिखाई दे रहा है मैडम? अभी नहीं, बन रहा है, नहीं दिख रहा, डार्क दिख रहा है। ये बैक कैमरा से नहीं दिखता है क्या? इसमें कोई कैमरा इन्वर्ट करने वाला ऑप्शन मालूम नहीं मेरे को, पर जब लैपटॉप पे हम होते हैं तो उसमें तो कैमरा होता है ऑलरेडी। बिल्कुल हम दिखा रहे हैं, अब रुक जाइए। आप लोगों से प्रवोक ना हुआ करिए, कल को ये आपको प्रवोक होने की जरूरत नहीं है किसी से, कि कोई कहे भाई मुझे ये करके तो दिखाओ, तो क्यों दिखाएं तुमको करके, मतलब आप दूसरों से प्रवोक मत हुआ करिए। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन उठा रहे थे कि तुम यहाँ पे फर्जी आदमी हो। लेखराज जी ने 9 साल की लड़की से शादी की थी? 9 साल की नहीं मैडम, 9 साल की लड़की से शादी नहीं की थी मैम, वो शादी नहीं की। 13 साल की दो लड़कियों का एक राजीव जी एक बलात्कार किया था। जी जी, कराची कोर्ट में केस चला था, एक माता ने केस, एक मदर ने केस किया था, उसकी बच्चियां एक 12 साल एक 13 साल की थी, कोर्ट ने वो लड़कियों को वापस अपनी मदर के वहाँ हैंड ओवर कर दिया था, और लेखराज को सजा होनी चाहिए थी, लेकिन लेखराज कोर्ट में गया ही नहीं, ओम राधे को आगे कर दिया। ओम राधे को शुरू में इसने कहा कि ये मेरी आध्यात्मिक पुत्री है, बाद में कहा कि ये मेरी आध्यात्मिक पत्नी है, तभी लेखराज को दादा कहते हैं और ओम राधे को मामा की उपाधि दी गई है, बाकी बूढ़ी दादियां कहलाती हैं, वही एक औरत है जो
राधा ये ममा कहलाती है, और आने वाले अगले जन्म में लेखराज कृष्ण बनेगा और वो राधा बनेगी। बकवास जी। अखंड भारत जी, आपको कुछ और कहना था? हाँ दीदी, ये पूछ रहा हूँ दीदी, यही लोग ना बोलते थे कि मैंने दुनिया ध्वंस हो जाएगा, ये इन्हीं लोगों का स्लोगन है ना? हाँ, 5 साल में प्रलय आ जाएगी, प्रलय आ जाएगी, पर आई नहीं। नौ साल और 13 साल जी जी, आप नीचे से बैठ के सुनिए अखंड जी, ऊपर हम खाली आज ब्रह्म कुमारी से पीड़ित लोगों को लेंगे। ओके ओके जी जी। तो ये तो आपने नई बात बताई अरुण जी की, 13 साल की और 12 साल की लड़कियों के साथ इसने करा और कोर्ट ने हैंडओवर कर दिया और उसको सजा होनी चाहिए थी। और ओम राधे को, ओम राधे कोई वुमन का नाम है या आदमी का? उनको मम्मा कहते हैं और बाकी सबको वो कहते हैं। मैम ये बात मैंने भी सुनी है कि इसमें एक औरत जो है शायद वो जिंदा है कि मर गई है, शायद मर ही गई है, उसको मम्मा कहते हैं, बाकी सबको दीदी या दीदी दादी कहते हैं। हाँ, और इस बात, इनकी बात सुनकर मुझे क्लियर हुआ है कि ये मम्मा इसीलिए कहते हैं उनको, क्योंकि वो बुढ़ा बाबा हो गया और वो उसकी पत्नी बन गई तो मम्मा हो गई जी। मेरे पास जो है ना कोई सत्यनारायण सोनी, कोई विमेन है वुमेन, उसका मेरे पास वीडियो आए हैं दो, ये ब्रह्म कुमारी हैं और मेरे को इन्होंने बोला है कि मेरे अंदर जान कम है और मैं ये वीडियो देखूं, और मेरे पास कई सारे वीडियो कल तक में आ चुके हैं इन लोगों के। इसके अलावा कुछ इस्कॉन वालों ने भी मेरे को भेज दिए वीडियोस कि मैं भाई इस्कॉन में आ जाऊं किसी तरह। हाँ मैम, ये यही वाले नहीं, ब्रह्मा कुमारी ही एक संस्था नहीं है जो कि धर्म का व्यापार बना कर रखी है, और भी संस्थाएं हैं जो कि धर्म का व्यापार कर रही हैं। हमको सबको पता है कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं, और इन धर्म के व्यापारी जेल में भी जा चुके हैं। ये जो क्या नाम है, राम रहीम है, राम रहीम को मेरे पिता जब सेना में थे तो खुद उनको मेरठ में उनका सत्संग होता था, वहां जाते थे। तो जब उनको पता चला, यहाँ 2011-12 के आसपास जब उसको जेल हुआ, तब उन्होंने छोड़ा और वो छोड़ा और ये पकड़ा। उसी तरह कल वाला, मेरे को कल वाली जो वीडियो थी उसको देखकर मुझे याद आया कि ये ब्रह्मा कुमारी को मोना जी से छुड़वा कर और परम शांति में घुसाने का काम कर रही है जी। तो इंदिरा जी कह रहे हैं कि लेखराज जो थे उन्होंने, ब्रह्मा बाबा जो थे उन्होंने 9 साल की एक अपनी बीवी ली थी जिसका नाम जसोदा था। ये हाँ हाँ, इनकी ये रियल वाइफ थी। अब ये एज का तो कंफर्म मुझे नहीं है, ये यशोदा उनका नाम था। ये 9 साल की लड़की लेने का वो वही है, कोई इशू नहीं है कि 9 साल की। ये तो मोहम्मद ने आयशा के साथ, उस समय हो सकता है लेखराज ने ना किया हो। हाँ, 6 साल। मैम ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि आपने वहां पर क्या बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारी मत वाला जी जो पुस्तक थी उसमें भी आपने बताया था कि ये लोग क्या क्या, ये जो बुढ़ा है मर गया पंथ चलाकर ये क्या क्या करता है। तो ये कोई, ये इन्होंने कहा कि 9 साल की बच्ची के साथ, उसके लिए कोई नई बात है, वो बिल्कुल करता होगा। उस वो जो इतना बड़ा हवस का पुजारी है तो बिल्कुल ऐसा करता होगा, और करने के बाद भी दुनिया को सता के रखा है। और हम नहीं, जहां तक ग्रुप में रोज कोई ना कोई परेशान रहता है इनके चलते, किसी किसी का परिवार तोड़ दिया है, कोई अपना नॉर्मल किसी की बच्ची है उसमें चले गए हैं इन लोगों के कारण। ये लोग पूरी तरह से सेंट्रलाइज तरीके से साइकोलॉजी का यूज कर रहे हैं और लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि ताकि वो लोग बेकार होकर की तरह उनके संस्था के प्रचार प्रसार के लिए काम जी। अभी कल ग्रुप में
परस कल या परसों हम लोग आपस में ही जो है गूगल मीट पर मीटिंग किए थे, ग्रुप में जितने मेंबर हैं, तो उनमें एक पंजाब से भाई साहब हैं कि शायद लुधियाना से हैं, उनकी वाइफ का ब्रेन वॉश करके और उनको अपने सेंटर के नज़दीक रूम दिलाकर रखे हुए हैं, और वही चीज़ें हैं, कारण वही है आपस में अलगाव होने का कि तुम भाई भाई बहन हो, तुम अपने पति से पति से दूर रहो, और चूंकि विवाह हुआ है, पति पत्नी है, तो वो लोग जो फिजिकल रिलेशन है उसको क्यों तोड़ना चाहिए, क्यों तोड़ना चाहिए? आपसी कंसेंट से यदि ऐसा होता कि हाँ भाई हम लोग नहीं करना चाहते तो वो बात अलग है। ये लोग ब्रेन वॉश करा के लोगों का परिवार तोड़ रहे हैं, अब वो लोग दोनों अलग रहते हैं। अच्छा, मैंने सुना ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती हैं, मैंने कई वीडियोस देखे जो ये बताती हैं तुम पिछले जन्म में क्या थे इसके बारे में। ये बकायदा ये लोग ये इस चीज के बारे में भी मैंने यूट्यूब पर ही देखा है, पूरा इनका लाइव होता है, उसमें एक आदमी को हिप्नोटाइज करके उसके पास लाइफ में जाकर पता नहीं क्या क्या पाखंड करते हैं। ये बात ये तो चीज मैंने देखी है, कोई मुझे इस चीज को बताया नहीं है, मैंने YouTube पर इनको बकायदा एक लाइव में करते मैंने खुद देखा YouTube पर ये लोग। अच्छा, अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करके सुला देते हैं, उसकी इच्छा से हिप्नोटाइज करके, और ये कह के कि आपको पास्ट लाइफ के बारे में बताएंगे, उस समय जब आप वो हिप्नोटाइज स्टेट में होता है, अगर आप कोई हल्का सा सजेशन देते हैं तो फिर वो हिप्नोटाइज के वो वायलेट करते हैं आप रूल्स, और फिर क्या है कि वो सजेशन जो है वो उनके सबकॉन्शियस में चला जाता है, तो यही वशीकरण है, तो ये जो चीज वो करते हैं। यही मैम यही चीज तो गलत ये रोज होता है ब्रह्मा कुमारी के सेंटरों पर, ये रोज होता है। जी अरुण जी बोलिए। प्रीति जी, आज एक लड़के का फोन आया था, 22 इयर्स का है, 5-6 महीने से ब्रह्म कुमारी में जा रहा है, उसकी मदर उसको मना कर रही थी फिर भी जा रहा था। अब उसने हमारा पॉडकास्ट देख के मुझे फोन किया और उसने ब्रह्म कुमारी जाना छोड़ दिया 5-6 दिन से। वाह, तो अब ब्रह्म कुमारी वालों को उसके पास बार बार फोन आ रहा है, जान बच गई, बार बार उसके पास फोन आ रहा है कि आप आ जाओ। मैंने उसको बताया हाँ फोन आएगा, कोई इशू नहीं है। बोला कुछ होगा तो नहीं? मैंने कुछ नहीं होगा, वो निकल गया ना, बात खत्म हो गई, जिम चला जा, तो जो करना पे शौक पूरे कर, करियर बना। बोला मेरी मम्मी भी मना करती थी और दीदी लोग कहती थी मम्मी को भी लाओ, पापा को भी लाओ, वो लोग तो गए नहीं, मैं फंस गया था। और वो मुझसे पूछ रहा था कि ये कुछ प्रसाद में नशा भी देते हैं क्या? मैंने क्यों तुझे ऐसा क्यों लगा? बोला जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे बड़ा मजा आया था, इसीलिए मैं सेकेंड टाइम गया। ऐसा क्या किया था कि मैं बार बार जाना चाहता था और अभी भी मेरा मन करता है वहां जाने के लिए, ऐसा क्या है? मैंने भाई इस बारे में कंफर्म नहीं हूं मैं, मिलाते होंगे नहीं भी मिलाते होंगे मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी तू विल पावर कर मत जा, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बोला नहीं सर अब जाऊंगा ही नहीं, अब तो कभी प्रॉब्लम मैं आपसे बात कर लूंगा, क्योंकि इनफैक्ट किसी को पता नहीं है जो ब्रह्म कुमारी से बाहर निकलता है ना आदमी, उसको मोरल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो टूट चुका होता है, वो घर वाले दे नहीं पाती, वो खुद की उसकी खुद से लड़ाई होती है। अगले एक दो पॉडकास्ट में मैं लेके आऊंगा, एक डॉक्टर विनय है, MBBS डॉक्टर है, वो ब्रह्म कुमारी में 3 साल समर्पित रहे हैं, अब निकल के 1 साल बाद थोड़ा ठीक हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो भी आएंगे पॉडकास्ट में, वो इंडिया में भी पॉडकास्ट बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो अब खुल के आ रही है 1 साल बाद। वो इंडिया में अब ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं कि सुन के मेरा दिमाग घूम जाता कि ऐसा भी होता है क्या, मैं कहां जी रहा था इस दुनिया में। जैसे अभी वो डॉक्टर भी नहीं है, बोले कि जब मुझे ब्रह्म कुमारी से निकाल दिया गया तो मैं वापस आया तो मेरे मदर फादर भी बीके में थे, वो अब मेरा कोई साथी नहीं कोई दोस्त नहीं, और मेरे दिमाग में कि मुझे बीके क्यों छोड़ना पड़ गया, मैंने ऐसा क्या पाप किया था, इसकी वजह से मैं परेशान था, सुसाइड करना चाहता था कि जीवन व्यर्थ हो गया मेरा, तो भगवान ने मुझे निकाल दिया। फिर उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा कोई भगवान वगैरह ने तुझे नहीं निकाला, ना तो आपको भगवान ने चुना था ना भगवान ने निकाला है, इंसान ने आपको वहां चुना था, इंसान ने। ये बोल रही है आपकी भाषा कितनी गिरी हुई है,
तो कौन सी भाषा हमारी गिरी हुई है आप ऊपर आके जी, बताइए जी 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 बी के शिव शक्ति जी आप लोगों ने उस लड़के पर वशीकरण कर दिया तुम लोग ऐसे ही करते हो तंत्र क्रिया तो आप आके प्रूफ देना कि हम तंत्र क्रिया करते हैं हम तो उससे मिले भी नहीं ऐसा भी काफी अफवाह उड़ रही है मैं ट्रस्ट नहीं करता तंत्र क्रिया में लेकिन ऐसा भी है कि ब्रह्म कुमारी में करती हैं जैसे राजीव जी अपनी मदर के बारे में एक्सपीरियंस बता रहे थे ये कह रहे हैं सर वो हमारी माताजी बीके की 900,000 परम आत्माएं ही रह जाएंगी बाकी सब जी जी मैडम ये 2036 का जो प्रोपेगेंडा है ये है मैं इनका एक एक राजीव जी पॉइंट टू पॉइंट जवाब देंगे तो बेहतर होगा जी इनकी 900,000 आत्माएं कब विनाश होने वाला था उस लेखराज से पूछेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेकंड वर्ल्ड वॉर में विनाश होने वाला था एटम बम से अभी तक तो हुआ नहीं वो भगवान है भांग पी के सो गया है क्या जो विनाश पे विनाश की डेट दिए जा रहा है वो तारीख नहीं आ रही है वो कुछ पता करके बताएंगे अपना इतिहास स्पष्ट कहीं खोजबीन कीजिए फिर स्पष्ट चीज हमें बताइए क्या इन्होंने ओम राधे की बुक पढ़ी है जब आपने ये कह दिया कि लेखराज को बलात्कार के उसमें दो बच्चियों के जो माँ बाप को सौंप दी थी और इस पर केस होना चाहिए था तब भी ये ऐसे बंदे को बाबा ब्रह्मा कह के ब्रह्मा जी का और शिव जी का अपमान क्यों कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि और कितने प्रूफ चाहिए आप लोगों को एक बदमाश क्यों कर रहे हो आप नहीं नहीं प्रीति जी मैं इनसे पूछता हूँ जो भी इनके ब्रह्म कुमारी वाले हैं 1950 के पहले ओम मंडली में कहीं शिव का जिगर है क्या ये कह रही है कि आपने एक बात कही है वो नहीं है लिखी हुई जिसने जन्म लिया वो तो शरीर छोड़ेगा ही लेकिन तो, आपके जो ये है उन्होंने प्रलय की बहुत सारी बार डेट्स दी है प्रलय हुई नहीं जवाब दें कृपया करके प्रलय नहीं हुई लेखराज जी ने कब कब प्रलय की घोषणा मैम ये है कि आप ऊपर आइए ना बीके जी बीके शिव शक्ति जी आप नीचे से क्यों कमेंट कर रही हैं मैंने एक लिंक दिया है आप कहो तो मैं एक बार फिर से दे देती हूँ आपके लिए मैं एक बार फिर से लिंक दे देती हूँ आप जरा प्लीज ज्वाइन करिए यहाँ पर भी ये लिंक केवल ब्रह्म कुमारी से पीड़ित लोगों का है और ब्रह्म कुमारियों के लिए तो आप प्लीज ऊपर आइए और हमसे बातचीत करिए और हमें ब्रह्म कुमारी संस्था में ज्वाइन करवाइए जरा ऊपर आइए आप बीके शिव शक्ति जी और दूसरी वो जो आशा काले जी हैं आप दोनों लोग ऊपर आइए हाँ मैम ये कहेंगे कि हमको ज्वाइन करवाइए तो उम्मीद है कि वो लोग आ जाएं क्योंकि उनको एक सामने बकरा मिल जाएगा फंसाने के लिए लेखराज को तो बातचीत करना नहीं आता था उसको वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था उसकी भाषा शैली बहुत गंदी कलकत्ता में बिजनेस किया पैसा कमाया सिंधी लोग पैसा कमाने में अच्छे होते हैं बिजनेस उनको आता है उससे बिजनेस किया पैसा कमाया बाकी पढ़ा लिखा थोड़ी था ओम राधे पढ़ी लिखी थोड़ी थी ओम राधे अनपढ़ औरत किताब लिख गई इंग्लिश में कैसे पैसों के बेस पे ओम राधे की इंग्लिश में बुक है इज इट जस्टिस नाम की किताब है मैं वो भी आपको भेज दूंगा ढूंढ के जो रवि जी का पॉडकास्ट हुआ था लास्ट वाला संडे को तो उसमें भी मैंने इसीलिए मुरली खुलवाई थी कि उनकी मुरलियों की भाषा शैली इतनी इतनी टेढ़ी मेढ़ी है इतनी एकदम बिल्कुल अगर फिफ्थ क्लास का बच्चा भी वैसा बेकार ना लिखे इसलिए ये लोग ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आपने लिखा है कि दादा लेखराज ने ऐसा कुछ नहीं किया तो आपके कहने से क्या होता है हमारे पास प्रूफ है फोटोग्राफ्स हैं और अखबारों में आया है चला है कोर्ट में प्रूफ है शिव शक्ति जी अखबार भी झूठ है इंडिया गवर्नमेंट भी झूठ है लेखराज की चिट्ठी भी झूठ है तो सच तो सिर्फ आप हैं तो भाई साहब ऐसे सत्यवादी को हम क्या कर सकते हैं वो भक्ति करते थे नारायण की 11 गुरुओं की तो वो अगर एक राक्षस भक्ति करने लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राक्षस नहीं था वो राक्षस रावण ही ने था। रावण ने भी तो शिव की भक्ति की थी बिल्कुल लेकिन उसका रावण शिव भक्त था पर वो था तो रावण उसने अपहरण किया था सीता का तो अब आप प्रीति जी मैं प्रीति जी मैं अभी फिर एक बार अनाउंस कर देता हूँ जो भी देख रहा है वीडियो कृपया इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो भी पीड़ित परिवार हो मेरे नंबर पे खुल के कभी भी बात कर सकता है हमें एक होना है ताकि ब्रह्म कुमारी के यहाँ ताला लगाना है और
जो भी ये सपोर्टर है वो आए, अपना पता दे, खुल के आए, मैं मिलने को तैयार हूँ। जहां कहेंगे वहां आऊंगा, जिस सेंटर में कहेंगे उस सेंटर में आऊंगा। सर मेरा तो मानना है कि ये जो इतने साल से, जो 2 साल 4 साल कम से कम जो लोग इसमें ब्रेन वॉश हो चुके हैं, वो खुद से ही इस संस्था से उनको उनकी आंखें खुलेगी तो निकल पाएंगे। हमारे वीडियोस देख के वो लोग गंदे बदे कमेंट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा मेरा शुरू से ही वीडियो में, पॉडकास्ट में आने का उद्देश्य था कि कम से कम आगे लोग इनमें ना फंसे, या फिर कोई गया है अभी, जैसे कि आपने बताया कि वो बच्चा बच के निकल गया, अब नहीं जाता, जब उसको इसके बारे में सच्चाई पता चली। तो मैं तो उसी राजीव जी ऐसे लोगों की मेरे पास लाइन लगी हुई है, जिन एक 16 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप को निकाल दिया 3 महीने में, वो लेकिन वो सुबह शाम मुझसे जुड़ा रहा, हर पॉइंट पे डिस्कस करता रहा, यहाँ तक कि उसने सेंटर की दीदी को धमका दिया। मैंने उसको बोला फोन लगा, आप आता है फोन तो और बात कर, बोल मैं चाइल्ड कंप्लेन करूंगा, चाइल्ड होके कि तुम मेरे माँ बाप को बहका रहे हो और मुझे परेशानी हो रही है, तो मेरे माँ बाप को डंडा पड़ेगा, तुम्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। अब उसके माँ बाप ठीक है, अब नहीं जाती, नहीं बात वही कर्मों की सजा, जिसके बुरे कर्म है वो नहीं निकल पाएगा। और फिर बाद में उसकी आत्मा वीरेंद्र दीक्षित में आ गई, उसने तो उसके वहां से 7 लड़कियां पिंजड़ों में से पकड़ी गई, उनकी तस्वीरें थी तक अखबार में आई, और ये कह रही है इसको, ये ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है शिव शक्ति, मुझे लगता है। एक मिनट अरुण जी, प्रीति जी, प्रीति जी, मैं शिव शक्ति से पूछता हूं, ये पढ़ी लिखी नहीं है, मुझे लगता है कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, ना तो इन्होंने और चीजें न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, ना ये किसी हिस्ट्री की ज्ञाता है, ना कोई स्कॉलर है, बस यहाँ आके बस वही रटी रटाई बातें उगल देती है। पर मैं इनसे कह रहा हूँ खुल के आए अपने, नहीं एक मिनट राजीव जी, मैं कह रहा हूँ खुल के आए, कम से कम अपना नाम पता बताएं, ताकि हम विश्वास कर सके कि तुम सच्ची हो। अपने माँ बाप का नाम पता बताएं, जैसे मैं बता रहा हूं, मैं अपनी आईडी लगा देता हूं, आओ मेरे घर पे, मेरे माँ बाप भाई बहन सबसे मिलो यार, मैं कोई भाग नहीं रहा हूं, लेकिन आप भी तो लगाएं, ताकि हम भी तो आके वहां मिल सकें, पता तो चले आपके घर परिवार कैसा चल रहा है। क्या पता आपके घर वालों ने आपको निकाल दिया है, या पे घर वालों में आपसे बनती नहीं है, उसके बाद ओम शांति कर रही है। नहीं, वो तो घर वालों से बात कर रही है। जी, वो उनका पर्सनल लाइफ है, हमें उससे मतलब नहीं है। मेरा कहना ये है कि ये लोग रटी रटाई बातें उगलती रहती हैं, इन्होंने कोई हिस्ट्री में रिसर्च करी, ये मुझे कह रही है कि मैं जो दिखा रही हूँ वो गलत है, तो वो आके ऊपर पैनल पे प्रूव करें अपनी रिसर्च। मैं अपनी रिसर्च प्रूव करती हूँ, तो आप क्यों नहीं आके ऊपर प्रूव कर रही है, आप क्यों नीचे से बैठ कर रही है। प्रीति जी, मैं भी 3 बार कह चुका हूं, आप आइए तो सही, आपका स्वागत है, आके डिस्कस तो कीजिए, अपने तथ्य रखिए, हम अपने तथ्य रखती हैं। तो मर्यादा में तो तुम्हारा लेखराज नहीं था अय्याश कहीं का, छोटी छोटी लड़कियों पर गंदी गंदी नजर थी उसकी, उसके 12 और 13 साल की लड़कियों पर उस पर मुकदमा चला था, तो ऊपर आके आप बताइए ना कि क्या है मर्यादा। वो कोर्ट, वो कोर्ट के पेपर में दे दूंगा विद स्टैंप। जी जी, और हस्बैंड को भाई बोलना ये मर्यादा है आपकी? कराची कोर्ट, हैदराबाद कोर्ट के फैसले दे दूंगा, इनके मुंह पे रख दूंगा, ये पढ़ो क्या है आपकी? कभी सैया कभी भैया, ये मर्यादा होगी ये? तो ऐसे ऐसे लोगों से क्या बात की जाए, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों से उचित है बात करना। अगर ये ओपनली आना चाहे तो आ सकती हैं, अन्यथा कमेंट करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। हम खुल के आ रहे हैं, आप भी खुल के आइए, हम अपना सच बता रहे हैं, आप अपना सच बताइए, क्या दिक्कत है? दुनिया को फैसला करने दीजिए सच कौन है। जी, हमारी किसी की शक्ल छिपी हुई नहीं है, खुल के आ रही है, आप भी शक्ल दिखाइए, आपकी शक्ल खराब नहीं होगी, सुंदर होगी। मैं ये कह रही हूँ, सुंदरता भगवान ने दी है, दिखाने की मैं कह भी नहीं रही हूँ, मैं तो कह भी नहीं रही हूँ, हमें शक्ल भी नहीं देखनी आपकी, हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, आप बस हमें हिस्ट्री और फैक्ट से मतलब है, आप हमको आके जो है हम आपको प्रूफ दिखाएंगे, और आप हमें आके प्रूफ दिखाइए, मैं हम बता देंगे, हम तो पर्सनल अटैक करते भी नहीं है, ना हमें शक्ल में आपके इंटरेस्ट है, ना कुछ बात में, हम जो बात आप कह रही है उसी में इंटरेस्ट है। जैसे ये कहेंगी हम तो बहुत खुश, जैसे हम बहुत खुश है, तो तुम खुश हो सकती हो अपने आप में, क्या आपका परिवार सुखी है आपके हिसाब से, उस परिवार से तो बात करनी पड़ेगी ना हमें।
देखिए अरुण जी, नहीं नहीं मुझे परिवार से नहीं बात करनी, मैं अपनी दूसरी बात कहना चाहती हूँ, एक मिनट अगर आप अलाउ करें तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इनकी अपने जीवन में पर्सनल लाइफ से हम मुझे कोई मतलब नहीं है। आप ऊपर आइए और हमें जो हम आपको प्रूफ दिखाएंगे लेखराज के, गंदे व्यक्ति को फॉलो करना जो है से आप गलत पथ पर ही जाएंगे, कुछ अच्छी बातें कहने से जो है वो अच्छा नहीं हो जाएगा। जैसे एक गंदा कपड़ा जो है वो एक से एक साफ मेज को साफ नहीं कर सकते आप, उसी प्रकार एक गंदे मनुष्य से आप सुपथ पर नहीं चल सकते। तो आप ऊपर आइए, हम मर्यादा में बात करेंगे, आपको शक्ल भी नहीं दिखानी ना अपने घर के लोगों के बारे में बताना है, आप बेबाक होके आइए और हम दोनों सत्य को फाइंड आउट करेंगे टुगेदर। मैम इस संस्था में जुड़ने से पहले मेरे फादर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे, यदि उनको न्यूज़पेपर नहीं मिलता था तो पूछते थे कहाँ है, बताओ कहाँ रख दियो, ये वो हमको बोलते थे और हमको कहीं से ना कहीं से लाके उनको देना ही पड़ता था। अब जुड़ने के बाद आपने, क्योंकि आपने बोला था कि आप लोग न्यूज़ वगैरह के बारे में आपने उनसे कहा, तो इसी पर मेरे को याद आया कि उनकी संस्था में सेंटर वालों वाले ये बता देते हैं धीरे धीरे कि जो न्यूज़पेपर है टीवी है उसमें सब गलत सलत अशांति वाली चीजें फैलाई जा रही हैं, सो तुम उनको मत पढ़ो, जो मुरली आ रही है उसी को पढ़ो, पत्रिका जा रही है उसको पढ़ो, यूट्यूब पर शिव बाबा के वीडियो देखो ताकि लोगों का ब्रेन वॉश होता रहे। और इनके पास ये बकायदा एक ऐप है, इसको पता नहीं नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल ऐप है, इसके माध्यम से ऑटोमेटिक हर 2 घंटे या 3 घंटे पर उनका गाना बजने लगता है, इनके जो ढोंगी है इनका गाना बजने लगता है, और आप उसी से उसका सीधा मतलब है कि आपको कंट्रोल में रखा जाए और आपको इन्हीं के गाने, पत्रिका और मुरली और वीडियोस देखते रहिए और आप इसी में घूमते रहिए और कुछ नहीं। मुझे तो एक अब देखिए, मुझे अरुण जी और राजीव जी एक ऑब्जेक्शन बहुत बड़ा ये है, चलो तुम अपनी पर्सनल लाइफ बिगाड़ना चाहते हो ये तुम्हारी मर्जी है, पर तुम हमारे ब्रह्मा जी और शिव जी को बदनाम क्यों कर रहे हो? व्हाट राइट डू यू हैव? आपने हिंदुइज्म की चीजें चुरा चुरा के उनको ट्विस्ट करके पेश किया, इस पर आप पे अपराधी मामला दर्ज होना चाहिए। आपने ब्रह्मा जी के प्रति अपराध किया है, आपने कृष्ण जी के प्रति अपराध किया है, आपने श्री राम के प्रति अपराध किया है। मैं उससे व्यथित हूँ, मैं ये सारे वीडियोस इसलिए चला रही हूँ कि जिन ईश्वर की मैं उपासना करती हूँ आपने उनको बहुत ही इंसल्ट किया है ये कह के कि उनकी आत्मा इस अय्याश बदमाश राक्षस लेखराज के ऊपर आई है। आपने हमारे हिंदुइज्म की चीजें चुरा चुरा कर जो है उनको ट्विस्ट करके बताया है, इसके लिए आप सब अपराधी हो और ये जो भी इसका फाउंडिंग पर्सन है उस पर ये मुकदमा चलना चाहिए और न्यायाधीश को इनको बंद करना चाहिए, पूरे ब्रह्म कुमारी सेंटर्स को, क्योंकि इन्होंने हमारे ईश्वर के प्रति अपराध किया है। मुझे इससे प्रॉब्लम है, आप अपनी जीवन को झोंकना चाहते हैं कहीं तो जाइए झोंकिए, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे मेरे ईश्वर को आपने इंसल्ट करने की जरूरत कैसे की, मुझे इससे व्यथित हूं मैं। मैम इसका कारण है इसमें लोगों को फंसने का, क्योंकि मेरी ही पीढ़ी नहीं, इससे पहले भी मेरे पिता की पीढ़ी थी, उनसे उनके पिता के हमारे दादाजी की पीढ़ी थी ना, उन्होंने कभी हिंदू धर्म ग्रंथ या फिर गीता का को समझा ना पढ़ा ना हमारे पिता के समय था जब वो पढ़ाई करते थे, या बाद में कभी जीवन में उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया नहीं। और सेम चीज हमारी पीढ़ी के साथ भी है, कोई हिंदू अपने धर्म ग्रंथों को नियमतः फॉलो नहीं करता है, उसको नहीं पढ़ता है, कभी जीवन में उसको छूटा भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि किसी ने आज तक गीता की पुस्तक देखी, मतलब कि 70% बच्चों ने गीता की पुस्तक देखी भी नहीं होगी। तो जब वहीं दूसरी तरफ इस्लाम धर्म में बचपन से ही उनको क्या बोलते हैं, मस्जिदों में और उनके जो विद्यालय हैं उनमें भेजा जाने लगता है और इस्लाम की पढ़ाई अरबी और उर्दू पढ़ाया जाता है। मैंने खुद देखा, अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ कि बच्चे हमारे साथ स्कूल में पढ़ रहे हैं जो इस्लाम धर्म वाले हैं,
वो अपना उनको तो बकरा हलाल करना भी सिखाया जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक सतीश कुलकर्णी जी ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ। राजीव जी तो थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगी। सतीश जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या आप ब्रह्म कुमारी संस्था से पीड़ित हैं या आपका कोई परिवार का सदस्य? मैम मैं आपके पहले शो में जुड़ा था अरुण जी के साथ में, सबसे वेरी फर्स्ट जो आपने पॉडकास्ट किया था उसमें। अच्छा, अभी मेरी बहुत खराब है जी। नहीं नहीं, मैं आई अंडरस्टैंड, आप इतने लोगों से डील करते हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैं अभी ये सब शो देख रहा था और इन्होंने जो चैलेंज किया है ना कि जो मर्यादा में नहीं चल पाते वो छोड़ के चले जाते हैं, वो मेरे को स्ट्राइक कर गई बात। और फिर मैंने सोचा कि मुझे भी अब अंदर आना पड़ेगा। मैं अपने सेंटर का नंबर देता हूँ, उनकी दीदी का नाम बताता हूँ। 20 साल से ऊपर में सेंटर में चला हूँ, सुबह शाम आना जाना किया है, सेवा की है। मेरे को ये ऑन कैमरा लाके बता दे कि मैंने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है जो मेरे को छोड़ना पड़ गया है। ये मेरे इनको चैलेंज करता हूँ। ये शिव शक्ति को आपने 10 बार बोला कि आप ऊपर आइए ऊपर आइए, ऊपर तो आने की इनकी हिम्मत है नहीं। अभी ये नीचे से एक लाइन डाल रही है कि जो मर्यादा में नहीं चल पाते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। मैं अगर ये मेरे सामने आ जाए, तुम्हारे सामने मर्यादा क्या है कि ये पूछेंगे ना, तो आप सही है अपनी भाषा में। हाँ, तो मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ ना कि भैया मेरे को आप मेरे को बताओ कर रही हैं, बड़े प्यार से हाथ जोड़ के आइए। एक मिनट अरुण जी, सत्य बताइए जी। अरुण जी के लिए लड़ रहे हैं ना जी। जी इनको कंप्लीट कर लेने दीजिए जी। सतीश, मैंने हाँ कौन सी मर्यादा का ऐसा उल्लंघन किया है जो इन्होंने कहा मैं भी एक तरीके से रोबोट ऑलमोस्ट बन ही गया था और अभी मैं आफ्टर इफेक्ट्स उसके फेस कर रहा हूँ बहुत बुरी तरीके से। जो आफ्टर लिविंग ए कल्ट के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसको मैं डील कैसे कर रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। और अरुण जी मेरे को बहुत सहयोग करते हैं इस मामले में कि कैसे निकलना है, कैसे एक नॉर्मल लाइफ को लीड करना है। लेकिन अब मेरे लिए बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है, एक आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कमिंग आउट ऑफ कल्ट, तो ये आप थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालेंगे क्या है। और रमीला पटेल जी, आप बहुत सारे मेरे कमेंट्स करती हैं मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे जो, तो आप प्लीज़ ऊपर ज्वाइन होइए ना प्लीज़। यहाँ पर बोलने में इतना आप बता सकती हैं, आपको बहुत ज्ञान है, ऊपर आइए प्लीज़। रिक्वेस्ट, लिंक दे दिया है, मैं उसको पिन कमेंट में डाल दूंगी जी। सतीश जी, परम शांति वाली है, थोड़ा सा बताइए आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं ये कल्ट से निकलने वालों के, और जो आपको अभी जूझ रहे हैं और जिसमें आपको अरुण जी मदद कर रहे हैं, बताइए। आफ्टर इफेक्ट्स में तो सबसे पहली बात होती है कि सोशलाइज नहीं हो पाता इंसान। जो अपन ने इनके बात मान मान के कि हमारे जो लौकिक रिश्तेदार होते हैं या फ्रेंड्स एंड फैमिलीज होते हैं वो एक शूद्र कैटेगरी को माना जाता है, जो और अपन एक इलाइट क्लास के माने जाते हैं। तो अपन जब 20 साल में इस तरीके से फॉलो करते करते माइंडसेट इस तरीके से हो जाता है अपना कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और इस स्टेज में आ जाते हैं कि वो लोग अब हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भाई ये कल तक तो ऐसा चलता था वैसा चलता था, ऐसा बोलता था वैसा बोलता था, अब इसको क्या हो रहा है। तो उसके उनके साथ नॉर्मल खाना खाने में भी हमको इतना हेजिटेशन होता है कि मैं आपको इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना नहीं, वो तो जो अनुभव करता है उसी को पता लगता होगा। जो मेरे साथ मेरी सेम बोर्ड पे बैठा होगा वो समझ रहे होंगे, जैसे विनय जी समझ रहे होंगे इस बात को। और दूसरी बात, जो सोशलाइज होता है कि नॉर्मल मैरिज पार्टीज में जाना, नॉर्मल घूमने जाना, मूवीज जाना, इसमें अपने को मूवीज जा रहे हैं, कोई अच्छी सी पिक्चर भी देख रहे हैं तो ऐसा गिल्ट लगता है अंदर ही अंदर कि भाई मैं कुछ क्राइम कर रहा हूँ क्या। तो ये सबकॉन्शियस लेवल तक का इतना इफेक्ट, बैड इफेक्ट हो जाता है कि उससे उभर पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि मेंटल प्रिजन में चले जाते हो आप, एक मेंटल प्रिजन में हो जाते हो। हाँ, क्योंकि अब इतना पढ़ लिख के और इतना मैंने देखा है जो लोग कल्ट से बाहर निकलते हैं वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि क्या करें जी। धीरे धीरे अगर आप उसका निकलने का तरीका, मैं आपको एक सेकंड में बता देती हूँ कि अपने दिन का एक स्केड्यूल बनाइए जो वेदों में लिखा है, रित का पालन। रित का अर्थ होता है व्यवस्थित होना। तो जैसे सूर्य चंद्रमा ये सब अपना एक साइकिल चलाते हैं, सारी ऋतुएं एक साइकिल में आती हैं, तो आप भी अपना एक स्केड्यूल बनाइए, डेली आप जो है उस स्केड्यूल को फॉलो करिए। तो वो स्केड्यूल फॉलो करेंगे आप तो धीरे धीरे आपका पुराना जो स्केड्यूल फॉलो करते थे या उसी को मैं रिपीट करेंगे तो वो आपका आ जाएगा वापस का समय जब आप बीके में नहीं, तो उससे पहले का वही अभी शुरू किया है। लेकिन फिर भी मतलब वो इट इज टेकिंग सम टाइम, मतलब किया है सब अपने लेवल पे शुरू कर दिया है सारा,
योगा क्लासेस ज्वाइन किया है। मोना जी आपके आपका क्या ईमेल में अरुण जी को दे सकती हूँ? आप मुझे जरा लिख दीजिए कि क्या मैं आपका फॉरवर्ड कर सकती हूँ ईमेल अरुण जी को, आप उनसे कनेक्ट हो सकती हैं। अरुण जी वो कैलिफोर्निया इनकी मुझे इनकी मुझे कैलिफोर्निया में हेल्प चाहिए होगी, एक पीड़ित परिवार है उसकी, ये हेल्प कर दें, ये कर सकती हैं। ये जब बीके को जान चुकी है, छोड़ चुकी हैं, तो शी कैन हेल्प। मैं नाम एड्रेस सब दे दूंगा, इंडियन है, कैलिफोर्निया में रहती हैं। ये मोना जी बीके से निकलकर दशरथ भाई पटेल को ज्वाइन करना चाहती हैं, तो आपका इनको क्या संदेश है? वही मेरा सीधा इनका संदेश है, हम प्राणी पैदा हुए हैं, हम भगवान की नजर में हम इंसान नहीं हैं। भगवान ने तो हमें मैन्युफैक्चर किया था प्राणी के नाम से, प्राणी कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, शेर भी है, सब प्राणी है। उसमें हमारे को बुद्धि ज्यादा दी थी, हमने ज्यादा डेवलपमेंट किया, इसलिए इंसान बन गए। तो हम इंसान हैं, हमें किसी इंसान को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसकी बातें पसंद की जा सकती है, अपने जीवन में अडॉप्ट की जा सकती है, बाकी किसी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना ही है तो जैसे आप कंप्यूटर लेती हैं तो उसमें एक मैनुअल मिलता है कि कंप्यूटर को ऐसे यूज करना है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। वैसे ही जब हम पैदा होते हैं तो हमारी लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं वो शास्त्र है हमारे, वेद में सारी मैनुअल है लाइफ कैसे जीना है। हमारे लाइफ का जो टाइम हम गिनते हैं ये 60 साल में, 70 साल में, भगवान ने दिन महीने नहीं बने थे, ईश्वर ने तो हमें सांसें दी हैं गिन के, वो हमें जीनी है। और यही नर्क है, यही स्वर्ग है, मरने के बाद हम कहां जाएंगे कुछ हमें नहीं मालूम है। तो जहां जिंदा है वहां तो प्यार से बात कर लें। आज प्रीति दी कनाडा से जुड़ी है, ये सब कुछ दिया है वेदों में, ईश्वर ने किया, ये सब कुछ वेदों में है। स्वर्ग जो है वो एक मन की स्थिति है। मोना जी आपको किसी की बातें अच्छी लगती हैं, जैसा अरुण जी ने बोला आपको किसी की भी बातें पसंद आती हैं उनको आप अडॉप्ट कर लीजिए। आपको किसी भी को भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ टीवी से देखिए, यूट्यूब से देखिए। डोंट बी मेंटल स्लेव। इवन मैं भी शिवानी की कुछ बातें जो है बड़ी अच्छी है, मैं तो सुनती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, सुन के अडॉप्ट कर लो, आपको वहां जाने की क्या जरूरत है। इसी तरह दशरथ भाई पटेल ने भी जो मल्टीवर्स ट्रेवल किया, ये कोई बड़ी यूनिक बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा कार्य किया है। नहीं नहीं, और रमीला जी आप ज्वाइन होइए, मैंने एक सेकंड, मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक ना ऊपर ब्लू में है, आप वहां से क्लिक करके ऊपर आ जाइए, आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है। ये अरुण जी ये मेरे हर पॉडकास्ट के नीचे जो है लिखती हैं, हर चीज पर कमेंट करती हैं, और ये बहुत सारे सेंटर्स छोटे छोटे खुले हुए हैं जिनके बारे में ये बता सकती हैं, तो आप प्लीज ऊपर। ये बहुत कुछ कर सकती हैं, इनके अंदर जो भगवान है, सबके अंदर भगवान है। नहीं ये अगेंस्ट है, इनकी मदद कर रहा है जागृत होने है। जी ये अगेंस्ट है बीके के, और कह रहा हूँ इनके अंदर का भगवान जग रहा है। जी चंद्र प्रकाश जी आपका स्वागत है, आप क्या ब्रह्म कुमार हैं या आप तो होते तो बीके लिखते, आप निश्चित ही पीड़ित हैं ब्रह्म कुमारी संस्था से, बताइए। आप म्यूट हो, छोटा सा परिचय मांग लीजिए बस। जी थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना, अनम्यूट होकर आप म्यूट हैं। जी चंद्र प्रकाश जी आप म्यूट हैं, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ, आपने खुद को म्यूट करा हुआ है। इनको मैम बता दीजिए कैसे अनम्यूट किया जाता है। आपने ये जो MIC उसको ओके कर दीजिए, माइक नीचे एक बार क्लिक कर दीजिए, नहीं इसी के ऊपर जो कोने में आपका ये है नाम के नीचे लेफ्ट में माइक लिखा है, ये देखिए ये जो है ना यहाँ पर, इसी पर क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा, वहां पे जाने की शॉर्टकट है, यहीं पर क्लिक कर दीजिए, जो ये जो भी एसिड स्ट्राइक लगा हुआ है ये चला जाएगा। मैडम वो बीके शिव शक्ति है क्या अभी टच में? पता नहीं, सुन रही होंगी यहाँ पर, कमेंट करने से ही मुझे पता चलता है कि मैं उनसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि मर्यादा डिफाइन कौन करता है सेंटरों पर, सेंटर इंचार्ज उनकी मर्यादा नहीं होती है कुछ की, नहीं होती है। जी अच्छा रवि सैनी जी मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तो वैसे भी अपना फाइनेंशियल वो नहीं देती थी, वो तो यूट्यूब ऐड आ जाते थे, $10-15 मेरे को मिल जाते थे, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जॉब छोड़कर ये कार्य करने बैठी हूँ, इससे पीछे हटने वाली नहीं हूँ। अच्छा चंद्र प्रकाश जी मुझे बैक प्राइवेट चैट में लिख रहे हैं, नहीं मेरा जी, इनको 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 एक जवाब दे,
एक मिनट, ये चंद्र प्रकाश जी ने बैंक में पैसे की कोई बात नहीं है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के, एक मिनट अरुण जी, चंद्र प्रकाश जी लिख रहे हैं, नहीं मेरा कोई परिचित थे यहाँ, मुझे बोलने की परेशानी है, कुछ कशमा सहित क्षमा सहित। तो फिर आप ऊपर अगर बोलने नहीं आए हैं चंद्र प्रकाश जी, तो फिर आप आए ही क्यों हैं? आपने लिखा कि यहाँ पर आप जो है नहीं बोल सकते हैं, कोई आपके परिचित हैं जो बीके में हैं। बैकस्टेज कर दीजिए मैडम इनको। जी तो मैं बैकस्टेज ही कर देती हूँ जी। हाँ बोलिए अरुण जी, मैंने आपको इंटरप्ट करा था, बोलिए। नहीं, बीच में लिख के आ रहा था एक कि हमारे राष्ट्रपति भी वो आप बता चुके हैं कि वो फॉलो पूरा फॉलो नहीं करती होंगी, मुझे नहीं मालूम करती है नहीं करती है। क्या ये जो कह रहे हैं कि वो बीके फॉलो करती हैं, ये उनको देखने गए हैं? बीके शिवानी बीके के पूरे कानून मानती है, ये उसके बेडरूम में गए हैं देखने गए हैं, या खाली सुनी सुनाई बातें हैं इनके दिमाग में? ये स्पष्ट करें मुझे। वो अपने नाम अगर के आगे आपने बीके मुझे चेक नहीं किया, बीके लिखने से मैं भगवान बन जाऊंगा? मैं अपना नाम शिव रख लेता हूं तो मैं शिव बन जाऊंगा? एक अंदर फीलिंग पैदा हो जाती है बीके लिखने से कि हम ब्रह्म कुमारी के हैं, एक अलग से ग्रुप के हैं। इस फीलिंग को छोड़िए, आप इंसान हो, इंसान बन जाओ। आत्मा किसी काम की नहीं है आपकी। जी प्रकाश सुबेदार जी, आप वेद पढ़िए, उसमें सारे आंसर्स हैं, शुरू से पढ़िए, सार मत पढ़िए। वो जो मीना जी आई थी मुझसे कह रही थी, मैंने तो अब्रिष्ट मतलब जो सार होता है उसका वो पढ़ लिया, वो थोड़ी ना कोई, वो शुरू से आप पढ़ेंगी तभी तो समझ में आएगा। मानसिक विकलांग पैदा करता है ब्रह्म कुमारी। सभी भाइयों और बहनों जय श्री राम। देव सीता, जो अश्रीमत पर चलेगा, अश्रीमत क्या है? जो अश्रीमत पर श्रीमत लिखा है इन्होंने, श्रीमत का मतलब इनकी मुरली। अच्छा अच्छा, कौन सी श्रीमत? 70 साल में श्रीमत पैदा हो गई इनकी? ये तो श्रीमत पैदा इन्होंने कर दी? नहीं, ये मेरे ख्याल में अगेंस्ट है बीके के। मैं ये कह रही हूँ, क्या है क्या कह रही थी, भूल गई। नमस्ते आपको भी एस जी। अभी नरक है या स्वर्ग? अभी तो घोर कलयुग है। मैं रिप्लाई देता हूं। अभी मेरे लिए स्वर्ग है, और जो ये सवाल पूछ रहा है उसको पता ही नहीं है स्वर्ग नरक क्या होता है, इसे सवाल पूछ रहा है। मेरे लिए स्वर्ग है अभी। प्रीति जी आप अच्छा काम कर रही हैं, अभी आपको अच्छा फील हो रहा होगा, प्राउड फील हो रहा होगा कि मैं कुछ कर रही हूं इस संसार के लिए, तो हम स्वर्ग में हैं। स्वर्ग और नरक हमारा स्वर्ग सोच है, आपको, मेरी सोच आज फ्री है। मनः स्थिति है, ये वेदों में एक मंत्र है जो आप बताता है कि स्वर्ग एक मनः स्थिति है। जैसे ऊपर 7 लोक हैं, तो ये जो 3 लोक हैं इसी में जन्म मरण होता है, और हम बार बार जो है पैदा होते हैं और पूरा अपना स्वर्ग उतने समय का स्वर्ग भोग के, मतलब वो मनः स्थिति है जो स्वर्ग है। तो ये हमारे मंत्रों में दिया हुआ है, मैं खोल के भी दिखा दूंगी। ये बोल रहे हैं, ए चश्मे वाले भाई आप एक बात बुद्धि से सोचें, ये आपको बता रही हैं अरुण जी, ये कह रही हैं मैं बुद्धि से सोचने को तैयार हूं। हाँ। आप बुद्धि से सोचे, आप इसी धरती पर क्यों हैं, दूसरे ग्रहों में क्यों नहीं, कुत्ते बिल्ली क्यों बने, कुएं के मेंढक मत बनो, ज्ञान सागर में डुबकी लगाए अनमोल मोती मिलेगा शास्त्रों को। तो रमीला पटेल जी, तो अनमोल मोती में देने, उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हुए हैं, आपको किसने कहा ये बात? और मैं तो आपको इतने समय से बुला रही हूँ, ये तो अगेंस्ट लिखती है बीके के, तो ये भी तो अगेंस्ट है, तो आप इनसे ऐसी तरह की बातें क्यों कर रही हैं? मैं इनको बता रहा हूँ, इनको करोड़ों में नहीं अरबों ने भगवान ने था, इनको इंसान बनाया, उसके बाद ये इंसान नहीं बन पा रही है, जानवर बनना चाहती हैं तो बनिए, हमें कोई इशू नहीं है, मानसिक गुलाम मत बनिए जी। हमारा वेद बताता है तुम्हें अपने आजाद होना है। अरुण जी एक सेकंड, ये ट्रू जी जुड़े हैं, ट्रू जी आप अनम्यूट करके बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते, तो आप ब्रह्म कुमारी पीड़ित हैं या आप ब्रह्म कुमार हैं? मैम मैं पीड़ित नहीं हूँ, मेरे फैमिली में मेरी मौसी जी हैं वो ब्रह्म कुमारी से पीड़ित हैं जी। तो मैम हुआ ये था, वो पहले मथुरा में रहती थी और यहाँ पे मतलब कृष्ण जी की भक्ति करती थी,
पर वो थोड़ी अहंकारी टाइप की थी। तो फिर क्या हुआ, वो ब्रह्म कुमारी में उनके कोई रिश्तेदार से जानकारी हुई, वो ब्रह्म कुमारी में मिल गई जाके। अब वहां जाके ये कहने लगी कि ये कृष्ण जी बाकी सब ये सब तो झूठे हैं, ये तो हम ही थे पिछले जन्म में, हम ही यहाँ पे पैदा होके वापस आ गए हैं, ये तो हम ही थे सब कुछ, लेखराज दादा दादा दादाजी हैं वो ही हैं सब कुछ, वो ऐसे बोलने लगी। और फिर हमको ऐसे कहने लगी कि अब तो मैं किसी को पैसे नहीं देती, मैं अपने बच्चे का जन्मदिन भी वहीं पे मनाती हूँ, सारे प्रोग्राम वहीं पे करती हूँ, हम पे वीडियो भेजती थी मतलब वहाँ पे त्योहार मना के उनको पैसे दे के। और हमसे कहती थी कि लंगड़ों, वो हमारे भाई जी कहते हैं कि लंगड़ों को पैसे देते हैं तो लंगड़े बनते हैं, कुत्तों को कुछ खाना डालते हैं तो कुत्ते बनते हैं, अंधों को देते हैं तो अंधे बनते हैं। तो वो तो भाई जी कहते, ये भाई जी कहते थे कि मतलब हमें ही दो तो वो अगले जन्म में तुम्हें डबल होके मिलेगा, सोना चांदी के महल मिलेंगे, इनको मत दो तुम करीगो। प्रीति जी इसका मतलब ये हो गया कि अपना फंड कहीं डोनेट नहीं करना है, सिर्फ ब्रह्म कुमारी में करना है। जी मैम, ये पूरी तरह इंडिकेशन दे दिया गया। आप लंगड़े को दोगे लंगड़ा बनोगे, ब्रह्म कुमारी में दोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो लंगड़े को क्यों दो, बाहर पैसा दान क्यों करो। जी उन्हीं को दो, मैं तो वहीं देके आती। ज्ञान एक मिनट में निकाल लिया इसके पीछे। मैंने स्टडी की है 3 साल से, मैं 18-18 घंटे इनको पढ़ता हूँ, इनसे जुड़ता हूँ पागलों से, इनसे एक एक चीज निकालता हूँ। तभी तो मैं कह रहा हूँ कोई भी ओपन आ जाए ना मेरे साथ, मैं डिस्कस कर लूंगा इनकी भाषा में। ट्रू जी आगे आगे बताइए। ट्रू जी तो मैम वो हमसे फिर बोलने लगी कि मेरे को तो बाबा आते हैं, और वो अपने घर में सेंटर चलाने लग गई हैं। अब अपना वहां से आसपास से लोगों को बुलाती हैं और यूं कहती हैं कि मेरे पे भी बाबा आते हैं और मेरे साथ टॉयलेट में भी जाते हैं। ऐसा भी कहा था उन्होंने कि मैंने बाबा से कहा बाबा आप यहाँ तो मत आओ, मतलब वो यूं कह रही थी बाबा हर साथ मेरे साथ रहते हैं। मैं तो उनके माउंट आबू गई थी, वहां पे वो ऊपर से उतरते हैं देख के आई थी, तो उनको ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया। हमने कहा भी था कि ऐसा कुछ नहीं है, तो गलत संस्था है, पर उनके कुछ समझ में नहीं आई। पहले तो मतलब उन्होंने जीवन भर भगवान की भक्ति करी थी, लास्ट में जाके अभी 2-3 सालों से ही वहां पे जुड़ गई है वो, और हमको भी जाने के लिए फोर्स कर रही हैं कि अरे ये कुछ नहीं है, तुम ये पूजा करते हो ये कुछ नहीं है, वहां पे जाओ ये सब तो ढोंग पाखंड है, पंडित वगैरह ये सब तो पाखंडी है, कितने पंडित देखो बलात्कार वगैरह ये सब करते हैं, देखो वहां पे जाओ। तो फिर हमने कहा था भाई जी वगैरह ये सब भी तो ऐसे बहुत सारी न्यूज आई है, वीरेंद्र देव दीक्षित वगैरह इनकी, तो नहीं वो तो कहती वो तो झूठे हैं, वो तो कुछ नहीं है, वो असली भाई नहीं है, वैसे बोलने लगी हमको। और हम अब कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की, पर वो बिल्कुल भी अब मतलब समझने को तैयार नहीं है। और अहंकार की अहंकार बहुत ज्यादा आप जी अहंकार भरा जाता है इनमें, अहंकार भरा जाता है। और एक जो हमारे शास्त्रों में लिखा है हठ योग, वो इनमें दिया जाता है इनडायरेक्टली, कि हट कर लिया तो मैं मर जाऊंगा लेकिन मानूंगा नहीं आपकी बात। हट तो लेखराज ने दो चीजों में महारत हासिल की थी, एक तो त्राटक में और एक हट योग में, ये दो चीजें ही उसने सीखी थी आगा खान से जब वो मिला था। ये ब्रह्म कुमारी मत दर्पण में बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रू जी ये बताइए, ये दो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रू जी ये बताइए कि ये इनका घर बार कैसे चलता है। जी घर बार तो वो दिल्ली में रहती हैं, उन मतलब पैसे वाली हैं, उन्होंने उनके काफी सारे घर हैं, तो उन्होंने रेंट पे दे रखे हैं अपने घर, तो पैसे तो उनपे मतलब बैठे बैठे किराए के आते रहते हैं। अब उनका क्या है, वो कभी माउंट आबू चले जाती हैं, और वहां पे जाके कह रही थी अरे वहां पे मैंने सेवा करी है, वहां जाके बहुत ही कम लोगों को अवसर मिलता है सेवा करने का, मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ। भाई जी ने कहा था कि आप तो भाग्यशाली हो, आपका नंबर आ गया है और किसी का नहीं आता वहां जाने में। वहां पे बर्तन भी अलग मिलते हैं इनको ब्रह्म कुमारी के, कुछ वहां पे पैसे दे के। अच्छा मुर्गा पकड़ लिया है ना, रेंट सिर्फ पैसा आना है, इसीलिए अच्छा मुर्गा है इनका। प्रॉपर्टी देख के किराया आता है वो क्या ये इन ब्रह्म कुमारी को दे देती है सारा। जी उनको देती है, अपने बच्चों को जो भी जन्मदिन वगैरह होता है सब वहीं पे केक कटता है, वहीं पे बच्चे को मतलब वहीं ले जाती है, अपने पूरा मतलब परिवार जोड़ दिया अपना पूरा। हम कोई फोर्स कर रहे उस स्त्री ने अपने पूरे परिवार को नेक्स्ट जनरेशन को डोनेट कर दिया ब्रह्म कुमारी को, ताकि प्रॉपर्टी भी वहां चली जाए, अगली जनरेशन भी ब्रह्म कुमारी को गुलाम मिल गया।
अच्छा मैं एक आपको सिमिलर एक सेकंड की बात बताती हूँ कि जो ये राधा स्वामी दयालबाग है ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके यहाँ भी ये एक बात है कि घर आप खरीदो इनके जो कैंपस के अंदर तो वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगा, मतलब जब जितने समय तक आप जीवित रहोगे आप उस घर में रह सकते हो और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पर्सन उसको खरीदेगा। इन्होंने ये सिस्टम कर रखा है, मतलब वहां पर छोटे छोटे घर बना रखे हैं कैंपस के अंदर और नगर बना रखे हैं, विद्युत नगर, प्रेम नगर, ऐसे ऐसे। तो मैं तो मेरे फादर तो उसमें बहुत बड़े पिलर थे, मैं तो बचपन और मैंने उनका पहला उपदेश भी ले रखा, तो मैं तो वहां जाती थी कई बार, मैंने वहां पर भूमि में वो काम भी किया है, कृषि का काम और हल वो करना, बीज लगा वो निपाई करना, ये सब काम करते जाते थे और स्टूडेंट्स से करवाते हैं, वो स्पेशल प्रसाद मिलता है, शुक्राने की लाइन अलग लगती है और उसकी मेहर की अलग लगती है, इस तरह से होता है। और वो जो गुरु जी हैं वो ये कहते हैं कि गुरु जी जो हैं वो ये जो ईश्वर हैं हम इनको मानते हैं तो ये तो हमारा कार्य करके नहीं देते, पर गुरुजी इस समय प्रेजेंट है और वो हमारी समस्याओं को हल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो गुरुजी आंसर नहीं करते, उनका जो असिस्टेंट है वो सबको एक ही जैसी बात बता देता है कि मद्रास में एक होम्योपैथी क्लिनिक है वहां चले जाओ वहां तुम्हारा निवारण हो जाएगा, सारे मरीजों को तो वहां भेज देता है, मैंने ऑब्जर्व किया ये बात। और जो जो भी लाइन में लगते हैं उनको पहले से बोला जाता है आप लोग गुरुजी से डायरेक्ट बात मत करना, गुरुजी खाली ऐसे ही दिखाने के लिए होते हैं, गुरुजी वहां पर जितने भी दुकानें लगती हैं वो लोग लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, और मरी हुई गायें ये लोग कहते हैं कि हम गाय को मारते नहीं है, और वहां तो अंडा मांस मछली कुछ नहीं खाया जाता है, और जो मरी हुई गायों के ये लोग वो बनाते हैं चप्पल वगैरह और बहुत सारे गारमेंट्स का उन्होंने लघु उद्योग खोला है, साबुन ऐसा बनाते हैं कि मेरा भाई कहता था कि देखो किसी को अगर फ्रैक्चर हो गया तो उसने दयालबाग का साबुन यूज करा है, ऐसे वो मजाक बनाता था। तो खैर वो जिस पर भी हाथ रख देते थे गुरुजी तो वो चीज लोग फटाफट बिक जाती थी, क्योंकि वो गुरुजी खाली हाथ रखने के लिए बनाए गए हैं, वो हाथ जहाँ रख देते हैं लोग खरीद ले जाते हैं। तो मैं ये बस यही बताना चाहती थी, सॉरी ट्रू जी आपको बीच में इंटरप्ट करा, कि ये जो मकान खरीदते हैं वहां पर लोग तो वो भी अपने बच्चों को नहीं दे सकते, आप जितने मरते दम तक वहां उस मकान में रह सकते हो, उसके बाद वो नेक्स्ट पर्सन को चला जाएगा, और वहां ना रेडियो चलता है ना टीवी ना कुछ भी नहीं, वहां पर आपको गाड़ी भी अंदर नहीं ले जा सकते, रिक्शा चलता है लेकिन वो लोग बहुत 3 रुपए का रिक्शा, बस बहुत ही मामूली फंड्स में वो अंदर के ई रिक्शे चलते हैं। जी कंटिन्यू करिए जी, अरुण जी कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। प्रीति जी, कल्ट माइंड कंट्रोल, हिंदी में मानसिक गुलाम, 3 प्रकार के होते हैं जो अभी स्टडीज हुई हैं। एक हो गया रिलीजियस माइंड कंट्रोल, इसको हम कह सकते हैं NRM, न्यू रिलीजन मूवमेंट। दूसरा मास मीडिया माइंड कंट्रोल। तीसरा पॉलिटिकल माइंड कंट्रोल, जो USA में बिल पिछले वाले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पे केस चल रहा है, जो उसने इन्फ्लुएंस किया था अपने इलेक्शन को। ये अगर पढ़ेंगी तो हर इंसान अपने दिमाग का गुलाम है, अपनी चेतना के हम गुलाम हैं, जो चेतना ने सीख लिया हम उसके गुलाम हो गए। एक स्ट्रीम आप कल्ट के ऊपर ही करना कि कल्ट के क्या विशेषता वो हैं, चिन्ह है और इनसे कैसे बचा जाए। तो ट्रू जी आपकी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं बोलिए। हाँ तो मैम ऐसी बात है, राजीव जी इनका थंबनेल जो ट्रू जी का बना के और उसका थंबनेल वो ओमकार जी का हटा के ट्रू जी का बना देंगे जी। एक सेकंड, और नागराज जी आपका स्वागत है, आपको वीके संस्था से पीड़ित हैं आप क्या? नहीं मैम, पहले तो सभी को राम राम जी। फिर आप नीचे से देखिए, यहाँ पर खाली आज वीके के पीड़ित लोग ही बैठे हैं ऊपर। अच्छा अच्छा, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ मैम। अभी एक आज तो एक साउथ इंडिया में तो एक मूवी का रिलीज हुआ है इन दलितों के ऊपर, तो अभी तो हिंदी में बॉलीवुड में रिलीज तो होने वाला है March 22 को इन दलितों के ऊपर, इन लोगों ने क्या क्या किया है, और हम जो कुछ भी हिंदू है ये सब मूवी देख लो आप, और इस मूवी से देखने का आप क्या इंस्पायर होते हैं आप बोलो, और हिंदू लोग सब जिन्हें जान जाओ बस। जी धन्यवाद नागराज जी, आप नीचे से देखिए अब
ट्रू जी कंटिन्यू करिए अपनी स्टोरी, और राजीव जी आप इनका थंबनेल बना दीजिएगा, मैं ओमकार जी का हटा के इनका लगा दूंगी जी। ओके ओके मैम। तो मैम ऐसा हुआ था, मैं तो काफी पहले से राहुल आर्य भाई हैं यूट्यूब पर, मैं उनके काफी वीडियो देखता था। पूरी स्टोरी शुरू से पूरी मैम, शुरू से मेरी मेरी मम्मी है, उनकी उन्हीं की दीदी है, मतलब मेरी मौसी है, वो ही गई है, तो वो बता सकती है शुरू से, वो बताना चाह रही है मतलब शुरू से। अच्छा वो हाँ, तो फिर उनका उनका कल रखें, आज तो 2 घंटे हो चुके हैं। अच्छा हाँ जी मैम, आप कल क्या बोलती हैं, कल कल मैं आपको लिंक दे दूं कि कल शुरू से आप बताना। क्या मौसी आएंगी? मौसी आपकी आना चाहती हैं? मौसी तो नहीं, आपकी ब्रह्म कुमारी हैं। नहीं वो तो ब्रह्म कुमारी वो नहीं बताएंगे, मेरी जो मम्मी है वो बताएंगी उनकी पूरी कहानी। मैं तो अभी स्कूल से थोड़े दिन पहले आया था, तो मेरे तो आपकी मम्मी का नाम लिखेंगे क्या, फोटो या ये सब भेजेंगे क्या मुझे कुछ थंबनेल पर लगाने को, या खाली मम्मी ऐसी कोई कार्टून लगा दें गुमनाम? नाम तो मैं बता दूंगा पर फोटो ममता नहीं, नहीं फोटो पर नहीं लगाना है, जरूरी नहीं फोटो है, मत लगाइए। चलो ठीक है। अच्छा तो आप मेरे भाई भाई जी, आपकी माता जी आएंगी, आपकी माता जी आएंगी तो हमारी माता जी हो गई जी, उनको कोई तकलीफ हो, कोई खतरा हो तो आपसे। नहीं 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 तो क्या कहते हैं अरुण जी, आइडेंटिटी जैसे माता जी, ये स्ट्रीम काफी रिवील मत करिए, यदि आपको लग रहा है कि हमको हाँ। खतरा हो सकता है तो आप कोई रिवील करने की जरूरत नहीं है आइडेंटिटी। नहीं नहीं हाँ कोई नहीं। अच्छा नहीं, ये मेरा ईमेल है और ट्रू जी आप ऐसा करिए, इस ईमेल पर मेरे को एक हेलो भेज दीजिए ताकि मैं आपका जो है थंबनेल बनाऊं, और मम्मी जी को आज की बजाय कल करें ताकि पूरी स्ट्रीम उन्हीं पर हो खालिस 8 बजे। जी 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 कल करते हैं ईमेल पर। कल आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे, मतलब वो अहंकारी शुरू से थोड़ी तो थी, पर उसमें जाने के बाद तो अहंकार उसमें इतना हो गया है कि मतलब पूछो मत, उनको ऐसा लगता है कि उन्हीं पे भगवान आते हैं, हम तो कुछ है ही नहीं, वही होता है तुम तो मरने वाले हो, सब मर जाओगे थोड़े दिनों में, बाकी सब तो हम बचेंगे बस। ठीक है ऐसा हो, तो ऐसा करते हैं फिर, कल मिलेंगे, और आज की ये स्ट्रीम तो वैसे भी 2 घंटे की हो गई है तो इसको स्टॉप कर लेते हैं, ज्यादा हो गई है टाइम आज का। क्या बोलते हैं आप लोग अरुण जी राजीव जी, क्या मेरा सही है सोचना? बता देता हूँ जो ठीक है ठीक रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल 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 राजीव जी, इनके मदर के लिए आप एक बना दीजिएगा, मैं अभी बना दूंगा मैम। हाँ तो मैं ये कहना चाहूंगा लास्ट में, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डूम्स डे कल्ट, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इस्लामी वाला सिस्टम है इनका जी। अरुण जी आप है ना कल्ट वाले पर एक अलग से संडे को कर लेना, एक कल्ट कल्ट एक्सपोज करने पर आप बना लीजिए एक पॉडकास्ट खाली कल्ट के ऊपर। और ट्रू जी आप जो है वो कल ज्वाइन 8 बजे हो जाना, मैं मेरे को ईमेल आप भेज देना तो मैं लिंक उसी पे भेज दूंगी ईमेल पे आपको ज्वाइन होने का आपकी मम्मी के लिए। ठीक है मैम, तो मैं आपको अभी ईमेल पे, मैम बहुत थैंक यू मैम, आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। आप बहुत, ये तो आप ही का चैनल है, आप ही लोगों का चैनल है, मैं तो बस वैसे ही बैठी हूँ, हमें सबको नेटवर्क होना है और इन तरह तरह के राक्षस रूपों से हमको सावधान रहना, जो कल्ट बन गए हैं जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका धर्म के लिए आप अच्छा काम कर रही हैं, धन्यवाद आपके साथ, आप जैसी पवित्र आत्माओं के साथ जुड़ने का जो लोग जान के उसमें जो है जाते हैं जी। तो फिर मैं ये स्ट्रीम स्टॉप करती हूँ अभी, आज हमने बहुत जो है कर ली है बातें, और बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ते चले जा रहे हैं और इन लोगों को हम एक्सपोज करेंगे। हमने आज इंदिरा जी का सुना था पूरा, और फिर हमने बहुत सारे पीके से पीड़ित लोगों से बातचीत करी, और ये सिलसिला जारी रहेगा, और कल हम ट्रू जी की माँ से सुनेंगे, उनकी मौसी के जो बीके में ज्वाइन हो गई हैं उनके बारे में, तो और जो बीके ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार हैं उनसे भी विनती है कि वो लोग भी ऊपर आके हमको जो है वो बताएं, अगर वो सच्चे सच्चे हैं और उनका ये कल्ट जो भी जिसको हम कल्ट बोल रहे हैं वो कल्ट नहीं कोई बड़ी अच्छी चीज़ है, तो वो सबको पता होनी चाहिए। तो आप लोग डिस्कशन से डरे ना, प्लीज़ आइए ऊपर और हमारे पॉइंट्स को काटिए रेफरेंसेस के साथ, हम भी रेफरेंसेस के साथ बात करेंगे और बहुत अच्छी जान चर्चा करेंगे।
तो आप लोगों का भी बहुत स्वागत है, आप लोग आइए जुड़िए। और हमें पता है कि आप लोग जो है जानकी तलाश में ही गए थे ऐसे कल्ट में, तो धन्यवाद सभी दर्शकों का। और मेरा चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने धर्म की राह पर चलती रहूंगी चाहे कितनी भी बाधाएं आए, और मैं डरने वाली और पीछे हटने वाली नहीं हूँ। आप सभी सनातनियों के ऊपर ईश्वर की अनुकंपा रहे। आप लोग सुअर के पदार्थों का यूज करिए, और सुअर के दांत का लॉकेट अपने बच्चियों के गले में पहनाइए, और नारियल पीने का औजार अपने घर में रखिए, और सेल्फ डिफेंस की सब चीजें रखिए। और सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। मिलते हैं कल सामवेद में, और प्लीज वेद पढ़िए, और बहुत ही सरल है। अगर आप मेरे वेदों के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ऑथर का नाम लिखा हुआ है, और वहां से वही ऑथर का आप सुन सकते हैं। अपने खाना बनाते समय, कोई भी कार्य करते समय वीडियो लगा लीजिए, सुनते रहिए सारे वेद। मैं खाली थोड़े थोड़े मंत्र डेली पढ़ती हूँ, शुरू से, तो चार स्ट्रीम करती हूँ 10-10 मिनट की। तो क्या आप 40 मिनट अपना काम करते हुए नहीं सुन सकते हैं? सुनिए, और नहीं तो पढ़ लीजिए, किताब मंगा लीजिए, और मैंने ऑथर का नाम हर वीडियो के नीचे लिखा हुआ है। और किसी को भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, वेद की कोई मुश्किल नहीं है। जब मेरे जैसा पर्सन भी जो उसको पढ़ के समझ सकता है, इतने सरल हैं। जब ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना आके। राम राम सभी को। अच्छी बातें सभी से सीखिए, ज्वाइन किसी को मत करिए। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। मिलते हैं कल शाम।